ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् अस्थापितं येन भूतले स्वरूप तदामहिम् ददाति श्रव्यकान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलम् श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं शाग्रजातं सहगण रघुनाथवितां सजीवं साधवेतं शावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादांशः गणललिता श्री विशाखावितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमते राधागोविन्द स्वामिनीति नामिनि जय जय श्री राधा रमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माता हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावनवा राधा तू बड़ भागिनी कौन तप माधव कुंज बिहारी
Murali Manohar Nandlala, Murali Manohar.
अंदाज से बोल रहा हूं, सबको गाना है। देखिए ये हरिनाम संकीर्तन है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया हुआ, यही वो हरिनाम है। या तो वो बोलेगा या मैं बोलूंगा, डिसाइड करो तुम। उसको बंद कर दो तो मैं बोलूंगा, और नहीं तो बंद ही कर दो उसे, बोलना नहीं है, खाली सुनो और ठीक करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
जगन्नाथ जय 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 बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय सुभद्रा। देखिए कल रथ यात्रा है, आप लोगों को मालूम है क्या रथ यात्रा है? तो जगन्नाथ जी का नाम लीजिए। जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवा तुम्हें जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवा तुम्हें जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राम राधा माधव राधे राधा माधव
भगवान ब्रजेश तनाया तदधाम वृंदावन राम्या काचिदुपाशना ब्रजवधु व्रगेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण मम प्रेमापमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरे न पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुणबिम वफलधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णातरं किमपि तद्वहं न जाने नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेषशून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः पंचवत्कम कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मेरे पीछे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवती नेष्ठकी हरे कृष्णा उपस्थित थोड़े इसमें ट्रिबल उपस्थित भगवत कथा अनुरागी सभी भक्तों का आज
इस कथा के द्वितीय दिवस में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो कल जगन्नाथ यात्रा है, जगन्नाथ रथ यात्रा। आप लोग जानते हैं जगन्नाथ जी को? कितने लोग जानते हैं जगन्नाथ जी को, बताओ थोड़ा थोड़ा। बहुत कम लोग जानते हैं जगन्नाथ जी को। कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाइए। आप लोग जगन्नाथ जी को नहीं जानते? जानते, हाथ उठाइए। जगन्नाथ जी कौन है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण, वही ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। भगवान चार बजे से चेक ही नहीं हो पाया अभी तक। नहीं नहीं ठीक है, रण जी वो उतना ही एडजस्ट नहीं कर पा रहा, उठाएंगे तो भगवान श्री राधा कृष्ण, राधा क्षमा चाहूंगा, भगवान श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा देवी, वही जगन्नाथ जी के रूप में आज जगन्नाथपुरी में है। एक समय की बात जब भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके द्वारिका रहने को चले गए, बहुत सुंदर वहां पर शासन करने लगे, बहुत सुंदर राज्य करने लगे। और उसी समय भगवान वहां बड़ा दुखी रहते थे, बहुत दुखी रहते थे। एक दिन भगवान की 16108 पत्नियों ने माता रोहिणी से पूछा कि आखिर कृष्ण यहाँ पे इतना दुखी क्यों रहते हैं, क्या चीज की कमी है? एक ग्लास पानी मांगते हैं तो 16000 ग्लास पानी उपलब्ध हो जाता है। आज की बात अलग है कि आप 16000 मांगने से एक बार मिलता है, लेकिन भगवान ऐसे पति नहीं थे। भगवान आदेश करते थे तो उनके लिए 16000 ग्लास हाजिर हो जाता था। तो रुक्मिणी देवी ने कहा कि छोड़ो, अगर वो बातें याद करोगे तो कृष्ण द्वारिका को छोड़कर ब्रज वृंदावन में चले जाएंगे। उनकी पत्नियों ने कहा नहीं माते, बताओ 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 कुछ बताओ। बोले नहीं, अगर चर्चा हुई और कहीं से भी कृष्ण ने सुन लिया तो क्या हो जाएगा, कृष्ण द्वारिका को छोड़ करके चले जाएंगे, द्वारिका छोड़ करके चले जाएंगे। उस समय बार 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 उनकी पत्नियां कहने लगी तो उस समय एक प्लान बनाया कि एक बहुत बड़ा हॉल था, उस हॉल में भगवान की सारी पत्नियां बैठ गई और बीच में रुक्मिणी देवी को बिठाया। नहीं नहीं, किनको बिठाया? रोहिणी माता को, कि माते अब सुना। रोहिणी देवी बैठ गई, बोले नहीं नहीं देखो, अगर कृष्ण आ गया और दरवाजा खुला रहा, अंदर आ गए ना और सुन लिया तो फिर वो द्वारिका छोड़ करके चले जाएंगे। बोले रुको रुको, हम लोग दरवाजे पे भी क्या लगाते हैं, गार्ड लगाते हैं। सुभद्रा के पास गया, सुभद्रा को बोला कि तुम इधर ही बैठे रहना और कोई कुछ पूछे, कृष्ण पूछे तो उसको अंदर मत आने देना और तुम यही बैठ करके रहना। बोले ठीक है, वह वहीं बैठ गए। थोड़ी देर के बाद कृष्ण बलराम सुधर्म सभा समाप्त करके वहां पर आए और जब आए तो देखा ये अभी भी हॉर्न कर रहा है ना, बार बार हॉर्न कर रहा है, देखिए थोड़ा इसको। वो जो आए थे वो कहाँ गए? ये लोग केयरलेसी से काम कर रहे हैं, एकदम नहीं हो पाएगा एकदम से।
टाइम पास कर रहे हैं कि एक दिन करके देखिए, आवाज से हेडेक हो रहा है, मतलब इस प्रकार से सेटअप किया। मेरी पहली कथा होगी जहाँ पे साउंड वालों ने इतना परेशान किया। तो अब कथा प्रारंभ हुई, अंदर कृष्ण की कथा चल रही थी, बाहर दरवाजे पर सुभद्रा देवी बैठी थी। कृष्ण उधर से आए, बोले बहना बहना दरवाजे के पर क्यों बैठी हो, अरे तुम राजा की बहन हो, जाओ अंदर बैठो। बोलते नहीं नहीं तुम जाओ। बोले क्या हो रहा है अंदर? बोले अंदर आपकी कथा हो रही है लेकिन आपको बताने के लिए मना किया है। कुछ लोग होते हैं ऐसे। एक व्यक्ति की शादी थी तो उसने कोट नहीं खरीदा। दोस्त का कोट बोला, अरे यार देखो अभी कोट मेरे पास है नहीं, पैसे नहीं है, एक काम करो तू तेरा कोट दे दे, मैं पहन के बैठूंगा लेकिन किसी को बोलना मत। बोले ठीक है। ये बेचारे ने कोट दे दिया, इसने पहन लिया और जाकर के मंडप में बैठ गए। उसका नाम था सुरेश। क्या नाम था? सुरेश। अब जिसने कोट दिया था वह बेचारा द्वार पे खड़ा हो गया और जैसे कोई आगे पूछता था, सुरेश कहाँ है? वो देखो 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 नीला रंग का मेरा कोट पहन करके बैठा है। कुछ लोगों को कल समझ में आएगी, कल घर में जाके हंसेंगे। तो फिर दूसरा व्यक्ति आए, अरे सुरेश कहाँ है? देखो वही मंडप पे बैठा होगा, मेरा कोट पहन के बैठा होगा। एक व्यक्ति आया, बोला अरे यार किसको बिठाया गेट पे, सबको बोल रहा है मेरा कोट पहन के बैठा है, मेरा कोट पहन के बैठा, जाके देखो। तो गया, भाई ऐसा क्यों कर रहा है तू, मत बोलना। बोले ठीक है अब नहीं बोलूंगा। फिर कुछ व्यक्ति आए, अरे सुरेश कहाँ है? देखा है? देखा हूँ, देखो ब्लू कलर का कोट पहन के, मेरा वाला कोट पहन के बैठा है लेकिन बताने के लिए मना किया, नहीं बोलना कि मेरा कोट है। फिर जाकर के बोले, अरे यार किसको बिठाया? वो दूल्हा आया, कोट खोल के, भाई तू पहले कोट ले और यहाँ से जा, बाद में मेरी शादी करूंगा, मैं गंजी पे शादी कर लूंगा लेकिन तेरा कोट नहीं पहनूंगा। उसी प्रकार से भाई अंदर तुम्हारी कथा चल रही है लेकिन बताने के लिए मना किया गया है, नहीं बताना है। बोले ठीक है। तो कृष्ण बोले, अरे मेरी कथा और मैं नहीं सुनूं? बोले हाँ भैया आज नहीं सुनना है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरी कथा मैं जरूर सुनूंगा। भगवान को अपनी कथा बहुत प्रिय है, जितना आपको प्रिय नहीं है ना कृष्ण की कथा उतना उनको प्रिय है। तो जैसे ही सुभद्रा ने मना किया तो बोला, बहना याद करो पिछले रक्षाबंधन में 500 का नोट दिया था ना, इस बार 2000 वाला कड़क कड़क दूंगा। बोले ठीक है, अभी तुम इतना बोल रहे हो तो खोल देती हूँ लेकिन अंदर नहीं जा सकते तुम, अंदर तुम जा नहीं सकते, एक काम करो यही खिड़की खोल देता हूँ तुम सुनो। उसी समय सुभद्रा देवी ने खिड़की खोल दिया और भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री बलराम दोनों साइड में बैठे, बीच में सुभद्रा देवी बैठी और कथा प्रारंभ हुई। अंदर रोहिणी देवी कथा सुन रही और अपनी ही कथा को सुन सुनकर कृष्ण बलराम सुभद्रा इतने खो गए अपनी कथा में कि यष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, हाथ अंदर घुस गए, पांव अंदर घुस गए और एकदम आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, मुख खुल गया। उसी समय भगवान के संयोग से नारद जी वहां से आए। नारद जी ने भगवान की इस अद्भुत रूप को देखा, भगवान को प्रणाम किया, कथा समाप्त हुई, भगवान पुनः वापस अपने भाव में आए। नारद जी ने को प्रणाम किया, नारद जी ने प्रणाम किया, नारद जी को कहा, नारद मांगो, क्या मांगते हो, क्या मांगते हो, मांगो। उस समय भक्तों नारद जी बड़े कृपालु हैं, बहुत कृपालु हैं। उस समय नारद जी ने कहा कि प्रभु नारद जी बहुत कृपालु हैं, वो हमेशा जीवों के ऊपर बहुत कृपा करते हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु आपने जो यह रूप आज यहां पर प्रकट किया है,
आज आपने जो यह रूप प्रकट किया है, यह रूप कलयुग में आने वाले जीवों के लिए। भगवान ने कहा, नारद आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, और तूने मांगा है, इसीलिए ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे होने तक मैं नील माधव के रूप में रहूंगा, और फिर 50 वर्ष पूरे होने के बाद जगन्नाथ जी के रूप में जगन्नाथपुरी में विराम। तो इस प्रकार आज भगवान जगन्नाथ वही कहां विराजमान है, पुरी में। तो हम लोग पुरी जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, 31 अगस्त को जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हमारे सेंटर से, हमारे आश्रम से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, 100 लोग लगभग जा रहे हैं, आप लोग भी जा सकते हैं, ठीक है, आप लोग भी चलो, सबको आमंत्रित करता हूं मैं इस व्यासपीठ से बैठे बैठे ऐसे जगन्नाथ जी का दर्शन करने, चलो। तो भक्तों, इस प्रकार जगन्नाथ जी प्रकट हुए हैं, और कल जगन्नाथ जी का अद्भुत रथ यात्रा निकलता है। जगन्नाथ जी में, जगन्नाथ जी परम दयालु, इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि भाई अब कुछ लोग क्या व्रत ले लेते हैं कि मंदिर नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, घर में बरमूडा पहन करके, हाफ पैंट पहन करके दिन भर टीवी का रिमोट बदलेगा, लेकिन भगवान के दर्शन को लिए नहीं जाएगा। तब भगवान ने सोचा, ये लोग तो बेकार है, ये लोग बेकार है, क्या करूं, अब मुझे ही निकलना पड़ेगा इनको दर्शन देने के लिए। इसलिए भगवान कृपा करने के लिए आज के दिन अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं और पूरे जगतवासियों को दर्शन देते हैं। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के जय। हम लोग कुछ प्रयास करेंगे नगर संकीर्तन में भगवान को लेकर के चलने के लिए। तो भक्तों, हम लोग गत सत्र में श्रीमद् भागवतम से श्रीमद् भागवत की महिमा सुन रहे थे। कुछ होमवर्क भी दिया गया था आप लोगों को, क्या होमवर्क था, क्या होमवर्क दिया गया था, तुम भद्रा नदी के तट पर जो ब्राह्मण रहते थे उनका नाम क्या था, बताओ बताओ। हाँ, कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों को क्या किया जाए, क्या किया जाए, बताओ, कोई तो बताओ, चलो चलो। आत्मदेव नाम था, क्या नाम था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, क्या नाम था, धुंधली, क्या नाम था, यहाँ नहीं है क्या, चले गए, तो धुंधली नाम था, क्या नाम था, धुंधली। उसके पुत्र का नाम क्या था बताओ, हरी बोल, माता जी के लिए हरी बोल होना चाहिए, येलो जो पहनी हुई है, हरी हरी बोल, ताली बजाओ, हरी बोल। बुजुर्ग लोग तो बेकार है, बच्चियों से सीखो, कितनी तेज है यहाँ की बच्चियां, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो क्या नाम था माता जी का उनका, धुंधु कारी, और उनके दो पुत्र हुए, एक पुत्र का नाम गोकर्ण और एक का नाम क्या था, बता बता, धुंधु कारी, गुड, ठीक, अच्छे लोग हैं। तो इस प्रकार से कल हमने सुना, भक्तों, और भी भागवत जी की बहुत सारी महिमाएं हैं। जब सुखदेव जी गोस्वामी महाराज परिचित महाराज को भागवत कथा सुनाने के लिए जा रहे थे, आप जानते ही हैं, घटना इस प्रकार हुई कि एक बार परिचित महाराज
मृगड़ा करके अपने राज्य में आए और जैसे ही घर पर आए अपने राज्य में आए तो क्या देखे, वो देखते हैं कि एक बैल के किसी ने तीन पांव काट दिए हैं। एक बैल के किसी ने तीन पांव काट दिए। बैल को बार बार पूछने लगा कि बैल ये तुम्हारे तीन पांव किसने काटे। और उसी समय सामने सामने एक गाय थी। क्या थी? गाय थी जो अपने आंखों से अश्रु की धारा लगातार बहा रही थी। गाय बैल के पांव काटे थे, गाय लगातार अश्रु की धारा बह रही थी। आज तक कभी परीक्षित महाराज के राज्य में किसी ने एक मच्छर को भी नहीं मारा था। और आज जब परीक्षित महाराज ने इस प्रकार से देखा तो वह एकदम चौंक गए। महाराज परीक्षित का राज्य बहुत ही सुंदर साबित था। कहते हैं उनके राज्य में आज तक किसी ने एक मच्छर तक नहीं मारा था, किसी प्रकार का ताप नहीं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कहीं हूं नहीं व्यापा। जैसे राम जी का राज्य वैसे परीक्षित महाराज का राज्य, किसी भी प्रकार का ताप नहीं, कोई भूकंप नहीं, कोई सुनामी नहीं, कोई दुख नहीं। महाराज परिचित के राज्य के किसान इंद्रदेव को आदेश देते थे, मेरी खेत में इस समय इतनी ही वर्षा होनी चाहिए, और उतनी ही वर्षा होती थी, उतनी ही वर्षा होती थी। तो किस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर बहुत सुंदर उनका राज्य था। लेकिन जब महाराज परिचित ने देखा कि एक बैल को किसी ने पांव काट दिया है, तो उनके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। ध्यान रखिए भक्तों, इस संसार में उसमें भी धुआं आ रहा है, देखो क्या हो रहा है। तो उसको बचाने का कोई उपाय नहीं। ध्यान रखिए भक्तों, जब जब इस संसार में ब्राह्मण की आंख में आंसू आया, गाय की आंख में आंसू आया, किसी वैष्णव की आंख में आंसू आया, उसी दिन से इस संसार का तबाही शुरू हो जाती है, संसार बदनाम हो जाता है। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, उन्होंने कहा कि आप विश्व शांति के लिए बड़ा सा बड़ा यज्ञ करो, बड़े से बड़े यज्ञ करो, लेकिन इस विश्व में तब तक शांति नहीं आ सकती है जब तक विश्व में इस पृथ्वी पर एक भी बूंद गाय का खून गिरे। गाय का खून अगर गिरा ना पृथ्वी पर तो कभी शांति नहीं आ सकती, कितनों ही प्रयास करें। इसलिए जब जब किसी गाय ब्राह्मण वैष्णव को सताया जाएगा ना, तब तब यहाँ विनाश होना ये निश्चित ही है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो आज परीक्षित महाराज के राज्य में पहली बार किसी गाय के साथ इस प्रकार का व्यवहार रोते हुए देखा। परीक्षित महाराज बैल के पास गए और पूछने लगे, बताओ ये दशा तुम्हारी किसने की। बैल बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, बार बार पूछने पर कहा कि महाराज सत्य कहूं राजन, तो मैं भी नहीं जानता कि ये दशा मेरी किसने की। कुछ लोग कहते हैं सुख दुख ये कुछ नहीं है, ये तो हमारे मन की भ्रांति है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे दुख का कारण हमारे देवता हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ हमारे कर्मों के वजह से हमें दुख मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे दुख का कारण हमारा समाज है। कुछ लोग कहते हैं कि दुख का कारण हमारा मन है। राजन सब लोग अपना अलग अलग मत देते, मैं क्या बताऊं। जब बैल ने इस प्रकार से धर्मयुक्त बात किया तो महाराज परीक्षित समझ गए कि ये बैल के रूप में साक्षात धर्म खड़ा है। भक्तों ये धर्म का सिद्धांत है।
कि संसार में जो गलत कार्य करता है ना उसको तो पाप लगता ही है, लेकिन जो गलत कार्य करने वालों का साथ भी देता है ना उसको भी पाप लगता है, यहाँ तक कि उसका नाम भी लेता है तो पाप लगता है। इस प्रकार बहुत बोले, बहुत बोले। पर भक्तों, बैल का एक पांव छोड़ दिया गया था क्योंकि कलयुग प्रारंभ होने वाली थी, और कलयुग के प्रारंभ से ही धर्म के तीन पांव का क्या क्या, दया, दान और तप, ये तीन पांव बैल के धर्म के काट दिए गए थे। एक पांव छोड़ा गया था, वह क्या था? सत। और सत क्या है इस संसार में? सत बताते हैं हमारे भोलेनाथ, क्या कहते हैं? उमा कहूं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस जगत में कुछ सत्य है तो वह क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से आज केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही जो है जीवों का उद्धार कर सकता है। जब राजा ने इस प्रकार देखा तो उनकी दृष्टि एक व्यक्ति पे पड़ा जो बहुत सुंदर राजा का रूप लिया था और हाथ में तलवार धारण किया हुआ था, और उनके हाथ उनके तलवार से झरझर 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 खून की बूंद गिर रहे थे। महाराज परिचित को बहुत समय नहीं लगा समझने में कि यह इसी ने बैल के तीन पांव काटे हैं। बहुत समय नहीं लगा, वह तुरंत समझ गए, और समझते ही उन्होंने अपनी खड़क से तलवार निकाल लिए और उस राजा रूपी कलयुग के पास गए और कहा, आप लोग आगे बैठ के डिस्टर्ब नहीं करेंगे कथा में, आगे बढ़ जाओ आप लोग, और आगे आ जाओ। हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस समय अब हो गया, अब शांत हो जाइए। उससे महाराज परिचित तुरंत अपने हाथ से कल तलवार निकाले और कलयुग को मारने ही जा रहे थे कि कलयुग जो है सो महाराज परिचित के चरणों में गिर पड़ा। महाराज हमारी रक्षा करो, महाराज हमारी रक्षा करो। उस समय महाराज परिचित समझ गए कि यह कली है। उसमें कहा कि तुम अगर जीवन दान चाहते हो तो मेरे राज्य को छोड़ करके दूर चले जाओ, दूर चले जाओ। तो उस समय भक्तों उस राजा रूपी कली ने कहा कि महाराज आपका राज्य तो आप एक छत्र पूरे पृथ्वी पर राज्य कर रहे हो, मैं कहां जाऊं, कोई स्थान नहीं दिख रहा। तब भगवान तब परिचित महाराज को उन्होंने निवेदन किया कि महाराज मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। क्या दे दीजिए? कुछ स्थान दे दीजिए जहां पर मैं जा करके रह सकूं। तो उस समय परिचित महाराज कलयुग को कुछ स्थान दिए। कौन से स्थान? तो कहते हैं यभ्यार्थी तो तदस्तश्मे स्थान कलियो ददो द्यूतम। सुनिएगा बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत अच्छा। द्यूतम पानम स्त्री यह सुना यत्र अधर्म चतुर्वेद। महाराज परिचित ने स्थान दिया कलियुग को। कुतः? तो कहते हैं चार स्थान पर। कहाँ कहाँ? चलिए आप लोग को याद दिलाता हूँ, ये होमवर्क है कल का, ठीक है? याद करके लाना, याद करके लाएंगे। चार स्थान का नाम नोट कर लीजिए आप लोग, एक पेपर लेके आइएगा जो जो पढ़ने जानते हैं, पेपर और पेन, ठीक है? पहला स्थान है द्यूतम। क्या द्यूतम? मतलब जुआ। क्या
गैम्बलिंग जिसको कहते हैं। किसको दिया पहला? जुआ। दूसरा दिया पानम। पानम मतलब नशा। किसको? नशा, किसी भी प्रकार का नशा, यहाँ तक कि चाय कॉफी में भी कलियों का वास दिया। ठीक है, किसी भी प्रकार का। कोई बोलते हैं अरे ये तो संजीवनी बूटी घस रहा हूं मैं, क्या बोलते हैं इसको जो ऐसे ऐसे करके रगड़ते हैं, क्या बोलते हैं? माता जी लोगों को देखो आता नहीं है, कितने अच्छे हैं, इधर से बोल रहे, क्या बोलते तंबाकू, है ना? है ना? तो इन सब में किसका वास होता है? कलयुग का वास। नहीं नहीं, इससे करंट चला गया, इसमें करंट नहीं। उनको बुलाइए, उनको बोलिए यहीं पे बैठे हो, हिस्ट्री के लिए हिले नहीं हो। तो पहला स्थान दिया द्यूतम, कहां पे? युवा में। दूसरा दिया, दूसरा कहां दिया? हाँ, नशा, किसी भी प्रकार का नशा। आप लोग तो कुछ नहीं करते होंगे, आप लोग तो बहुत सभ्य लोग हैं। ठीक है, तो नशा में दिया। तीसरा दिया पर स्त्री पर पुरुष संघ। जो लोग गलत गलत काम करते हैं ना, अपनी पत्नी के होते हुए अथवा अपने पति के होते हुए किसी दूसरे पति या पत्नी से संपर्क करना, यह क्या है? कलयुग का वास है। तीन हो गया, कौन सा कौन सा? पहला हो गया जुआ, दूसरा हो गया शराब, तीसरा हो गया अवैध संघ, चौथा चौथा दिया कहां मालूम है? सुना। सुना मतलब मांसाहार। जो लोग गंदे गंदे खाना खाते, क्या कहते हैं उसको? काटते वीटते, क्या बोलते हैं? और बहुत तड़पते हैं फिर भी काट देते, क्या कहते हैं? मीट। मीट, हाँ, वो मीट। और वो तालाब से निकाल लेते हैं और उसको भी काटते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मछली। और आजकल जो कुछ मार्केट में ऐसे जाली में डाल के बेचते, क्या कहते हैं उसको? हाँ, हाँ। तो इन सब चीज में किनको बास दिया है? अब देखिए, चारों कार्यों में से जहां एक भी कार्य हो रहा है उस घर में शांति कभी नहीं आ सकती है, गारंटेड। ठीक है, ठीक है। क्यों क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि वहां पे कलयुग का वास है, और कलयुग का कार्य यह कलह कराना। क्या कराना? कलह कराना। तो ये चार है। और ध्यान रखिए, आजकल कुछ बाबा लोग भी हैं जो एकदम बड़ा बड़ा तिलक लगाएंगे और बैठ मार रहे, क्या कहते हैं उसको? क्या पीते इतना बड़ा बड़ा? गांजा। तो वो बाबा काबा कुछ नहीं है, है ना? वो कौन है? थर्ड क्लास पर्सन, उसका कोई यूज नहीं है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्या? तो कुछ बाबा लोग कल आएंगे, ए आपने हमें ऐसे कैसे बोल दिया थर्ड क्लास। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? परिचित महाराज दे रहे हैं। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? ध्यान रखिए, यधर्मस्य, ये अधर्म का स्थान है। ये चार प्रकार के कार्य करने वाले कभी धर्म कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते, गारंटेड है। अगर वो कह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? दिखावा कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, वह धर्म नहीं कर सकते। अगर ये चार कार्य करने वाले कम से कम अपने आप को धार्मिक तो नहीं कहेंगे। और ये चार कार्य क्या करता है भक्तों? और हमें फंसाते जाता है, फंसाते जाता है। ये खैनी, पुड़िया, तंबाकू, ये सब नशा है। यहाँ तक कि हमारा चाय कॉफी भी जो हम लोग पीते हैं, पीते हैं आप लोग? हम लोग तो नहीं पीते हैं, जीवित हैं हम लोग, देख रहे हैं ना हम लोगों को। कुछ लोग बोलते हैं चाय नहीं पी पाओ, क्या बोलते हो? मर जाई, नहीं क्या बोलते? हाँ, मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था, एक महाराज जी मिली मुझे, आपकी बिहार से ही थी, कहीं मैं जा रहा था, कहाँ जा रहा था मुझे नहीं, तो बहुत सुंदर है, बोला बेटा मेरे को देखा तो शुरू हो गया, बेटा हम घर द्वार छोड़ दें बा, और बहुत कुछ बताया,
बहुबा बेटा बा पुतहुबा लेकिन छोड़ दे बा तब तक ट्रेन वाला चाय चाय एक कप चाय देना खत्म हो गया सारा त्याग खत्म हो गया। हमारे भारत वर्ष में जब तक अंग्रेज नहीं थे ना कोई चाय नहीं पीता था। कभी रामायण में पढ़ा प्रातः काल उठ के रघुनाथा बोले चाय लाओ मेरी माता बोला नहीं बोला क्या बोला प्रातः काल उठ के रघुनाथा बोलिए आगे का श्लोक पापा को दीजिए माइक मैं बोलूंगा तुम लोग बोलेंगे प्रभु जी आप झूठ बोल रहे हैं आपके गांव वालों से बुलवाता हूं बताइए प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावहि माता और आज प्रातः काल उठ के चाय लाओ ये हमारा संस्कार नहीं है हमारा संस्कार नहीं है भारत का संस्कार है ऊपर से तो ये सब हमारे संस्कार नहीं है तो ध्यान रखना चाहिए कभी नहीं अब सोचिए जब भारतवर्ष में कभी नहीं हुआ तो फिर हम ऐसा कार्य क्यों करें कभी नहीं होना चाहिए कभी भी नहीं जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन ये चार कार्य ना करें शराब ना पीवे जुआ ना खेलें मांसाहार ना करें अब बताइए भगवान ने कितना चीज बनाया हमारे खाने के लिए कोई कमी है कोई कमी है अब बोलेंगे प्रभु जी मांसाहार में ना बड़ा ताकत होता है हम लोग क्या ताकत है अब बोलेंगे प्रभु जी आप पतला दुबला है चलिए हम पतला दुबला है आदर्श को दिखाइए थोड़ा तो और देखिए बाबू प्रभु को भी देखिए आदर्श को देखिए हमारे अभिषेक प्रभु को देखो देख लो थोड़ा थोड़ा बराबर कहाँ कमी लग रही है आपको कमी है कुछ और इन तो सवेरे दौड़ लेना बहुत बड़े एथलीट भी हैं दौड़ लेना सवेरे इनके साथ तो ये बहुत गलत बात है अब बड़ा हो किसी को मार करके काट करके खा जाना ये कोई धर्म है कुछ लोग बोलते हैं धर्म के नाम पे काट के खा जाएंगे किसी को मार कर काट के खा जाना ये कौन सा बड़ा धर्म है कोई धर्म नहीं कभी नहीं है कभी नहीं ये कुछ लोग कहते हैं हम बलि देंगे दुर्गा देवी को काली देवी को सॉरी काली माता मैया काली मैया को बलि देंगे क्या कह रहे हैं माता दूसरी ओर जगत जननी देवी दुर्गा की जय बोलते हैं ना जगत जननी का अर्थ बताओ आप लोग जननी मतलब माता और जगत मतलब समस्त जगत तो समस्त जगत की जो माता है मतलब एक बकरा भी बकरी के भी माता कौन हो गए दुर्गा देवी हो गए अब बताओ आज के कलियुग के माता जिनमें माता का कोई गुण नहीं है उनको अगर अपने बच्चे का बलि दिया जाए तो माता जी लोग आप लोग बताइए कभी स्वीकार करेंगे आपके बच्चों को छोड़ बलि छोड़ो थोड़ा कष्ट दिया जाए उंगली थोड़ी सी कट दिया जाए आप लोग स्वीकार करेंगे कि उंगली काट करके अपनी माता को उस खून से अभिषेक करो कौन माता जी आप लोग स्वीकार करेंगे बताओ जो पंडित आएगा ऐसे कारण उसको दो चार थप्पड़ देके भेज देंगे यहां से लेकिन हम क्या कर रहे हैं धर्म के नाम पे उनको बेचारे निमू हैं जो कुछ बोल नहीं पाते उनको काट करके पीट करके खा जाते हैं कोई बलि नहीं भगवान की खुशी के लिए नहीं मैं देखा हूं पहले एक आध बार देखा था कि अगर ज्यादा कट गया ना तो ब्राह्मण से लड़ाई कर देते थे अपने खाने के लिए गर्दन ज्यादा नहीं कटना चाहिए एकदम सटा करके काटो ये भक्ति नहीं सेंस ग्रेटिफिकेशन है अपनी इंद्रियों को तृप्ति करना इसको कहते हैं ये कोई भक्ति नहीं है समझना चाहिए ये सारी चीजें बहुत ही गलत होती है बेटा बहुत बहुत
व्यक्ति को सत्वगुणी खाना खाना चाहिए। सत्व जयते ज्ञानम रसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसा भवतु अज्ञानम एव च। तमोगुण से निद्रा उत्पन्न होती है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। और आज हम तो दिन दिन भर तमोगुण में ही रहते हैं और बोलते हैं ज्ञानी बनेंगे, कहां से ज्ञानी बनेंगे? तो ये सारी चीजें नहीं खानी। तो पर महाराज परिचित ने चार स्थान जगत जगह दिया कली को, कौन सा? हाँ, जुआ, नशा, अवैध संग, चौथा मांस। आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, सब भी लोग हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कोई लोग ये चार कार्यों में से एक भी करते होंगे, है ना? नहीं, सबकी रियलिटी बाहर लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग अच्छे देखने में तो लग रहे हैं, है ना? और अगर कोई कर भी रहे होंगे तो आज से छोड़ दो, जान लिया, है ना? क्यों दिखाने का मुंह खराब चीज करके, है ना? अगर भागवत जी के सामने संकल्प लेंगे तो छूट जाएगा, ठीक है? जान गया ना कि ये अच्छा कार्य नहीं है और इसको खा करके भी जीवित रह सकते, जीता जागता उदाहरण देख लो, पूरा स्टेज भरा पड़ा, ठीक है? हम लोग चाय कॉफी भी नहीं पीते, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, लेकिन फिर भी जीवित है कि नहीं है? और कमजोर भी नहीं है कोई, ठीक है? अगर कमजोर लगेगा तो कल आदर्श प्रभु अभिषेक प्रभु लोगों को देखो कैसे है, एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, है ना? मुझे लालीचरण प्रभु को मत देखो, अन्य लोगों को देखो, दो आदमी को छोड़कर। अच्छा, हमारे दीप नारायण प्रभु भी है, देखो ये तो आपके ही गाँव के हैं, आप जानते हैं, आपके इधर के ही है, फिर भी देखो नहीं खा रहे। तो इस प्रकार से कली महाराज ने उनको आदेश दिया और वहां से चले गए। कुछ दिन के बाद कहते हैं एक दिन महाराज परीक्षित मृगड़ा करने के लिए वन में गए, मृगड़ा करने के लिए वन में गए और मृगड़ा करके आ रहे थे तो बहुत जोर से प्यास लग गई, और प्यास लग गई तो उस समय बगल में ही समीक ऋषि का आश्रम था। महाराज परीक्षित वहां पर गए, समीक ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे, महाराज आए देख नहीं पाया, उठ नहीं पाए, महाराज परीक्षित को लगा रहे कि तपस्या कर रहे हैं अब या फिर बस ऐसे ही बैठे हुए। अभी महाराज था, महाराज हैं जगत के, तो इनकी इनका कर्तव्य था कि ये उठ जाए, है ना? अभी देखिएगा थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे वो, लेकिन अभी महाराज परीक्षित आए तो नहीं उठे, धर्मात्मा महाराज परीक्षित आए तो नहीं उठे। तो उस समय महाराज परीक्षित उनका परीक्षण करने के लिए वहीं बगल में एक सांप मरा हुआ था, उसको उठा करके उनके गले में डाल दिया, देखा कि अरे ये सच में तपस्या में, तुरंत बहुत अफसोस हुआ, प्रणाम किया और वापिस आ गए। उसी समय एक लड़का, एक दूसरा शिष्य समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जाकर के कहा कि तुम्हारे पिता के गर्दन में गले में किसी ने सांप रख दिया है। अब देखिए अधूरा ज्ञान विनाश को आमंत्रित करता है, है कि नहीं? अब देखिए विनाश यहाँ से प्रारंभ होता है। उसी समय श्रृंगी ऋषि ने ना अब देखा ना तब, तुरंत हाथ में जल लिया और कहा मेरे पिता के गले में जिसने सर्प रखा है आज से ठीक 7 दिन के बाद उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। और तुरंत रोते 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 अपने पिता के पास आया, और पिता के पास आने के बाद तो उस समय परीक्षित महाराज अपने राज्य में आ गए और श्रृंगी रोते रोते अपने पिता के पास गए। अब ये जैसे ही अपने पिता के पास गए समीक ऋषि की तपस्या छूट गई। किसी ने कहा अरे जब धर्मात्मा महाराज परीक्षित आए तो आंखें बंद रखा, लेकिन जैसे ही पुत्र आया तो तुरंत आंखें खुल गई। बोला पिताजी बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने किसी को श्राप दे दिया। समीक ऋषि ने आंखें बंद करके देखा तो बोला अरे तुमने तो बेटा परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया। महाराज परीक्षित ही जरा धाम से चले जाएंगे, कलयुग का आगमन हो जाएगा बेटा, कलयुग का आगमन हो जाएगा, क्या किया जाए क्या किया जाए। तुरंत महाराज समीक ऋषि ने एक शिष्य को बुलाया, जाओ जाकर के परीक्षित महाराज को सूचित करो 7 दिन में मरने वाले हैं, जो भी करना है कर लें, बचने का उपाय कर लें।
शिष्य को भेजा परीक्षित को कहने के लिए। परीक्षित को जाकर के कहा, महाराज महाराज अनर्थ हो गया, आप 7 दिन में मरने वाले होंगे, अपनी मृत्यु से बचने का प्रयास कर। जैसे ही महाराज परीक्षित ने सुना कि मुझे 7 दिन में मृत्यु है, 7 दिन में मरने वाला, मृत्यु को कभी मैं टाल नहीं सकता। जानते हैं भक्तों, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, नहीं टाला जा सकता। और वह चाहते तो शायद टाल सकते थे, चाहते तो टाल सकते थे। परीक्षित महाराज में एक कैपेसिटी थी, वह चाहते तो समीक ऋषि को भी मार सकते, श्रृंगी ऋषि को भी मार सकते, चाहते तो अपनी मृत्यु को भी टाल सकते थे। लेकिन महाराज परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। मृत्यु को टालने का प्रयास कौन करता है? असुर लोग करते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं ना भक्तों, जो भक्त होते हैं वो अपनी मृत्यु को टालने का प्रयास नहीं करते, संवारने का प्रयास करते। आजकल के डॉक्टर कभी कभी कुछ बुजुर्गों को निर्देशन करते हैं कि भाई आप मांस खाओ तब बचोगे। ऐसी स्थिति में मरना स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसे डॉक्टर्स की बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। कितने साल बचोगे? 2 साल। लेकिन उस मांस खाने के वजह से उसकी क्या दशा होगी, यह वह डॉक्टर नहीं देख पा रहा है। महाराज परीक्षित तुरंत यह निर्णय ले लिए, मनी मन सोच लिए कि अब मैं यहां तो नहीं बैठूंगा, अब यहां नहीं बैठूंगा। आइए, सुखदेव जी गोस्वामी महाराज का आगमन होने जा रहा है, आगे की कथा हम लोग गाते गाते करने का प्रयास करें। या विधि राजा करियो पाय, या विधि राजा करियो पाय, या विधि राजा करियो पाय, सब को क्या दियो राज पाठ। महाराज परीक्षित 7 दिन में मरने वाले, 7 दिन में मरने वाले हैं। जैसे ही पता सोच लिया कि सर्वप्रथम ये 7 दिन मैं अपने घर पे नहीं रहूंगा, सर्वप्रथम महाराज परीक्षित अपने घर को, क्योंकि भक्तों घर में रहने से आसक्ति बढ़ती है और मरते वक्त आसक्ति बंद नहीं, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अगर आसक्ति हो गई दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। सर्वप्रथम अपने ज्येष्ठ पुत्र को बुलाया और बहुत सुंदर उनका अभिषेक कर दिया। जन्मजय को बुलाया, राज तिलक किया, जन्मजय को राजा घोषित किया। महाराज परीक्षित अपने वस्त्र को राजसी भेष भूषा त्याग, लाखों लाख नौकर चाकर राज रजवाड़े धन संपत्ति सबको त्याग दिया, भागीरथी गंगा के तट पर गए। नीपत सुर सरी के तट जाई, नीपत सुर सरी के तट जाई, कियो स्नान प्रीति कहलाई, कियो स्नान प्रीति कहलाई, कियो स्नान प्रीति कहलाई, कियो स्नान प्रीति कहलाई, करी संकल्प वना जल त्यागियो, करी संकल्प। महाराज परीक्षित शुक्रता भागीरथी गंगा के तट पर,
और सर्वप्रथम महाराज परीक्षित ने गंगा के पवित्र जल में स्नान किया। गंगा की मृतिका लगाई, स्नान, गंगा जल हाथ में लेकर के महाराज परीक्षित संकल्प करने लगा। संकल्प करते हैं कि मेरे जीवन में मात्र 7 दिन बचे, अब इस 7 दिन में मैं अन्य ग्रहण नहीं करूंगा, ये 7 दिन मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा। जल महाराज परीक्षित ने अनशन व्रत ले लिया, आमरण व्रत ले लिया, जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती ग्रहण, तो महाराज परीक्षित ने उस गंगा में स्नान करके वहां से वापस निकले। गंगा के तट पर बहुत सारे ऋषि मुनियों का जमावड़ा लग गया। उस समय महाराज परीक्षित पूछने लगे कि हो ऋषि मुनियों, मेरे जीवन में मात्र 7 दिन बचे हैं, मेरे जीवन में मात्र 7 दिन हैं, अब बचाओ, अब बताओ कि मुझे 7 दिन में क्या करना चाहिए। किसी ऋषि ने कहा, महाराज अब बहुत धनी हो, दान करो। महाराज को विचार पसंद नहीं आया। किसी ने कहा, महाराज एक बड़ा सा यज्ञ अनुष्ठान करो। महाराज 7 दिन बचे, तीर्थाटन में चले जाओ। बोले ना, बहुत सारे ऋषियों ने अलग 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 विचार दिए भक्तों, अब जानते हैं मुंडे मुंडे मती भी। मुंडे मुंडे मती बिन्ना, उसी समय मुंडे मुंडे मती बिन्ना बहुत बोले, लेकिन महाराज को परेशान। उस समय महाराज ने बोला कि आज मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मेरे जीवन में मात्र 7 दिन बचे हैं, और अब इस 7 दिन में मैं केवल और केवल भगवान विष्णु की कथा सुनूंगा, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनूंगा। जैसे महाराज परीक्षित ने ये कथा सुनूंगा, कथा सुनेंगे, ये बात वायु वेग से पूरे संसार में, संसार के सभी ऋषि मुनियों को पता चल गया कि परीक्षित महाराज अब विष्णु की कथा सुन रहे हैं। अब निश्चित कोई महात्मा आएंगे और भगवान की दिव्य कथा होगी। हम लोग भी इस कथा में जाएंगे और भगवान की कथा, वहां पर इस संसार के सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि उस समय आने हैं, जो जंगल को पवित्र करने वाले हैं। ऐसे ऋषि मुनि अपने हजारों शिष्यों को ले लेकर वहां पर आने, कहते हैं उस भागवत कथा को सुनने के लिए वहां पर यत्री ऋषि आए, वशिष्ठ आए, चेवन आए, श्रद्धावान आए, अरिष्टनेमी आए, भृगु आए, अंगिरा आए, पराशर आए, अनेक ऋषि मुनियों का आज वहां जमात लग गया। और उस समय ऋषि मुनि महाराज परिचित सभी ऋषि मुनियों का प्रणाम करने लगे, स्वागत करने लगे। महाराज परिचित की सभा में आज अनेकों ऋषि मुनियों का जमात लगा, सभी का महाराज परिचित स्वागत करे। और उस समय महाराज परिचित ने ऐलान किया, हे ऋषि मुनियों, मेरे जीवन में मात्र 7 दिन बचा हुआ है, और उस 7 दिनों में मैं केवल और केवल कृष्ण की कथा सुनूंगा, अतः हे ऋषि मुनियों, गायत्र विष्णु गाथा। जैसे ऋषि मुनियों ने यह सुना कि गायत्र विष्णु गाथा, तुरंत उस सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि भक्तों वहां पे ऋषि मुनियों कथा सुनाने के लिए नहीं आए थे, कथा सुनने के लिए आए थे। महाराज परीक्षित ने जैसे ही कहा कि कुछ मुझे शुद्ध भागवत कथा सुनाए, कहते हैं संसार में जब भी किसी भक्त के हृदय में शुद्ध भागवत कथा सुनने की इच्छा होती ना, मतलब भागवत का सिद्धांत है कि उसी समय भगवान की कृपा होती है, और भगवान की कृपा से, भगवान के योग से वहां पर शुद्ध भक्त की प्रकृति होती है। उसी समय इस पृथ्वी पर दिव्य लक्षण वाले, भगवान के योग से इस पृथ्वी पर स्वतंत्र गति से विचरण करने वाले आत्मराम,
आत्मका मुक्तका प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय भागवत भूषण भागवत रत्न भागवत प्रधान भागवत भास्कर वैयास की वैयास नंदन सुखदेव गोस्वामी उस सभा में प्रकट हो गए। सुखदेव जी गोस्वामी महाराज को देखकर सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। आप लोग भी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और सुखदेव जी गोस्वामी महाराज का स्वागत करिए। सुखदेव जी गोस्वामी महाराज के जय। सुखदेव जी गोस्वामी महाराज के सब लोग स्वागत करने लगे। आप लोग भी स्वागत करिए। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। 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 जैसे परिचित महाराज सभा में सुखदेव जी सभी लोग कीर्तन कर रहे हैं और अपने अपने स्थान पर आप लोग अपने स्थान पर नाचते हुए कीर्तन करते हुए सुखदेव जी का आज भागवत के माध्यम से हमारे इस ग्राम इस शहर में सुखदेव जी गोस्वामी का प्रागट हुआ। अतः आप लोग स्वागत करें। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। 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 भैया सखी तुम्हारी जय जय हो। भैया सखी तुम्हारी जय जय हो। भैया सखी तुम्हारी जय सखी तुम्हारी जय जय हो। सखी तुम्हारी जय जय हो। सखी तुम्हारी जय जय हो। माया सखी तुम्हारी जय जय हो। बोल हरे कृष्णा हरी बोल। बेटा कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सब लोग आ रहे हैं। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ऐसे ऐसे स्वागत किया जाता है किसी का। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे स्वागत किया जाता है। नाचते हुए कीर्तन करिए। आप लोग शर्माते क्यों हैं? ये भगवान का दिव्य नाम इसलिए नाचते हुए एकदम दिव्य स्वर में और जोर से गाते हुए कीर्तन करिए। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। 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 भैया सखी 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 तुम्हारी जय जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे।
कीर्तन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? कीर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते तो बंद कर देता हूँ। चाहते हैं लेकिन अगर चाहते हैं तो नाचना पड़ेगा। मैं जान रहा हूँ थोड़ा जगह कंजेस्टेड है, लेकिन नाचना है इतने में ही उछलते हुए एकदम। नटवर नागर लिंगा, मेरी आवाज आ रही है। जब म्यूजिक बंद होता है तब मेरी आवाज आती है। आप लोग पीछे से भी नाचे, अगर नहीं चाहते कहते तो बंद कर देता हूं। बंद कर दो कि नाचना है, नाचना है। एवरीबॉडी नटवर नागर नंदा भजोरे मन जोरे मन गोविंदा बड़े हैं सब देवन में कृष्ण बड़े हैं 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 जय श्री राम जय श्री राम।
अच्छी रही। हरि बोल। आपको एक सिद्धांत बताता हूँ, सुनो क्योंकि म्यूजिक बजते हैं तो इतना बेकार है ये कि मतलब मेरी आवाज सुनाई नहीं पड़ती, इसलिए इसको बंद कराना पड़ रहा है। सुनो एक सिद्धांत, पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि जब हम बैठे बैठे भगवान का हरिनाम संकीर्तन करते हैं ना, तो भगवान हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाते हैं। जब हम खड़े होकर के भगवान का हरिनाम संकीर्तन करते हैं ना, तो भगवान हमारे सामने नाचने लगते हैं। और जब हम नाचते नाचते भगवान का हरिनाम संकीर्तन करते हैं ना, तो भगवान उछल करके हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए नाचते हुए संकीर्तन के जय। श्री सुखदेव जी गोस्वामी महाराज की जय। बैठ जाइए। मैंने बोला था 4 घंटा कथा चलेगी। कितना घंटा? अभी 1 घंटा हुआ, 3 घंटा और सुनाऊंगा आप लोगों को। बैठ जाओ, बैठ जाओ। लेट करके आए हो, मेरा क्या, मैं तो सुनाने के लिए आऊंगा। अब रात को सुनो तो मैं दिन को सोऊंगा, दिन को सुनो तो रात को सोऊंगा।
ये तो आपके ऊपर है, आप लोग आए ही विलंब करके हैं। हम तो 4 बजे यहाँ आए थे, तब देखते हैं हमारे यहाँ पे कुछ 2-4 चिड़िया उड़ रहे थे। तो 4 घंटे तो सुनाऊंगा, अब आपकी प्रॉब्लम है आप कब सुनो। आप लोग ऐसे आपस में विचार करके थोड़ा पंच करके मुझे बता देना, मैं पक्का उतने बजे आ जाऊंगा, गारंटेड। ठीक है, ठीक है। हाँ 12 बजे 1 बजे पता नहीं मेरे को, लेकिन एक भी उठने नहीं दूंगा किसी को। 2-4 गार्ड लगा दो पीछे डंडे लेकर के, जो जाए पटक दो बिठा दो। तो बहुत सुंदर सुखदेव जी को स्वामी महाराज प्रकट हो गए भक्तो। लड़ाई नहीं करना है, कल पंडाल को थोड़ा पीछे बढ़वा दिया जाएगा, लोग बढ़ेंगे तो उधर भी देखिए। वो कुर्सी आप लोग थोड़ा बाहर लगाइए और बैठने दीजिए लोगों को स्थिर से, है ना। खड़े मत रहिए, बैठ जाइए, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, खंबे वो पकड़ के बैठ जाओ, खड़े नहीं रहना है। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज प्रकट हुए, और जैसे ही प्रकट हुए भक्तों तो कहते हैं सुखदेव जो स्वामी कौन, कहते लीला सुकोशु वृषभानुजाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबने न एकांतिको नन व्यरहस्य पाठो गोलोक प्रसाद सदा निवास। लीला सुकोशु विषभानुजाया, भगवान राधा और कृष्ण के अंतरंगा लीला, भगवान जब भगवान के दिव्य जगत में जब राधा और कृष्ण होते हैं ना, तो अगर राधा रानी को कृष्ण को कोई संदेश भिजवाना हो ना, तो राधा रानी के पास एक सुख होता है। क्या होता है? सुख होता है, और उस सुख सुख के कान में ये कह देती हैं, और वह सुख जाकर के भगवान को वह कह देते हैं। तो यही सुख कौन है? सुखदेव जी गोस्वामी महाराज के रूप में आज प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर सुखदेव जी गोस्वामी आए, और इधर भक्तों एक समय की बात, द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलयुग प्रारंभ हो रहा था। तएकदा तमुनयः प्रातः रुद्धाग्नया, है ना। एक समय जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था, कलयुग प्रारंभ हो रहा था, उस समय 88,000 ऋषि मुनि 84,000 ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि महाराज ब्रह्मा जी, हम लोग कलयुग के दोषों को रोकने के लिए कि यज्ञ करना चाहते हैं। तो महाराज आप हमें कुछ स्थान का निर्देशन करिए। उस समय ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र बनाया और उसे छोड़ा, और वह चक्र लखनऊ से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर आकर के गिरा, और जहां पर गिरा उस स्थान का नाम हुआ नैमी शारण्य। वहां पर वह 88,000 ऋषि मुनि बहुत सुंदर क्या किए, यज्ञ करना प्रारंभ किए। अब यज्ञ करना प्रारंभ ही किए थे तब तक उन्हें पता चला कि शुत गोस्वामी श्री सुखदेव जी गोस्वामी महाराज से भागवत कथा सुन करके इसी रास्ते से जा रहे हैं, इसी रास्ते से जा रहे हैं, बुलाया नहीं था।
और ये यज्ञ करना प्रारंभ कर रहे थे। ऋषि मुनियों का कर्तव्य है, सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह यज्ञ करे। क्या करे? यज्ञ करे। लेकिन क्योंकि क्या था इनका पहला कर्तव्य, क्या है ऋषि मुनियों का? यज्ञ करना। उनकी यज्ञ की जो अग्नि है वह कभी बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही सुना कि सूत गोस्वामी इधर से आ रहे हैं, उसी समय भक्तों उस यज्ञ के कुंड में मिट्टी डाल करके बंद कर दिया। यज्ञ को मिट्टी डाल करके बंद कर दिया और बंद करके सुखदेव जी गोस्वामी से बहुत सुंदर निवेदन किया और उनको व्यास पीठ पर बिठाया। और बिठाने के बाद बहुत सुंदर 6 प्रश्न किए। कितने प्रश्न किए? और उन्हीं 6 प्रश्नों पर यह पूरा भागवत पूछा। पहला प्रश्न पूछा, तत्र तत्र अंजुसा आयुष्मान भगवतः इतः विनिश्चित पुंसाम एकांत श्रेयः तत्न संसि संसि तुम अर्हसि। हे सुखदेव, हे सुत गोस्वामी, आपने अनेकों शास्त्रों का अध्ययन किया है, वेदों का अध्ययन, अतः आपको अध्ययन के बाद इस जगत के कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या लगा? आगे चलकर बताते हैं। इस संसार में अनेक प्रकार के कार्य होते हैं। कुछ कार्य होते हैं जिसे कार्य करने वाला का उद्धार होता है, कुछ कार्य होते हैं जिससे उनके कुटुंब का उद्धार होता है, कुछ कार्य होते हैं जिनसे समाज का भला होता है, कुछ कार्य होते हैं जिससे अपना भी भला होता है और जगत के समस्त जीवों का भला हो जाता है, मनुष्य सबका भला हो जाता है। पूछे, हे धीमन, धीमन मतलब बुद्धिमान, हे धीमन सुत गोस्वामी, वह कार्य क्या है? तब सुत गोस्वामी कहते हैं कि संसार में एक ही कार्य ऐसा है और वह क्या है? श्रीमद् भागवत कथा अनुष्ठान। इस कार्य से ना केवल सुनने वाला, सुनने वाले के जो पूर्वज होते हैं ना, उनका भी उद्धार हो सकता है। इस जगत में सबसे बड़ा कार्य क्या है? भागवत कथा श्रवण करना। भागवत कथा श्रवण करना सबसे बड़ा कार्य, सबसे। इस जगत में बहुत सारे लोग कार्य करते होंगे, आप लोग सब कार्य करते होंगे, करते हैं कि नहीं? कोई व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति बताइए जो कार्य नहीं करते हैं? सब लोग करते हैं और सब लोग कुछ ना कुछ कार्य कराते भी हैं, लेकिन उससे हमारा उद्धार, आजू बाजू वाले का उद्धार। लेकिन आज ये माता जी ने जो कार्य किया है ना, इससे ना इनका उद्धार, ना इनके परिवार का उद्धार, ना केवल कि क्या कहते हैं इसको, गांव का उद्धार, बल्कि पूरा का पूरा जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं उनका उद्धार, उनके पूर्वजों का उद्धार, जो चींटी कीड़े मकोड़े भी यहाँ पे कथा सुन रहे हैं ना, उनका भी उद्धार है। धन्य है ऐसे लोग जो आज भी भागवत कथा इस प्रकार से प्लानिंग करके ऑर्गेनाइज करते हैं और भगवान की कथा का प्रचार करते हैं। धन्य है इनके माता पिता। जब बहुत कोई व्यक्ति का बहुत पुण्य उदय होता है ना, बहुत पुण्य उदय होता है ना, तब वह व्यक्ति ऐसे कार्य करा सकता है। तो वही कह रहे हैं कि हे सुखदेव जी गोस्वामी महाराज, इस प्रकार से यह कार्य जो है सो क्या है? दिव्य है, अलौकिक है। यह कार्य अलौकिक है जिससे सबका उद्धार हो जाता है। हकामो सर्म काम वा मोक्ष काम उदार दी तिप्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परे। सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं कि यदि
किसी को बहुत सारी चीजें चाहिए। इस जगत में भी सुखी होना है और जगत के बाद भी सुखी होना है। अकामो, किसी को कोई काम नहीं है, मतलब कोई भी नहीं चाहिए। सर्व कामो वा, जिसको बहुत कुछ चाहिए। मोक्ष काम, जिसको मोक्ष भी चाहिए और उदार भी, उदार भी कहलाए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तीव्रेन भक्ति योगेन, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति प्रारंभ कहाँ से होती है? श्रवण कथा सुनने से। किन की कथा? जगत की कथा, है ना? फलाने के घर में क्या बना है, ये कथा। ये कथा सुनने से उद्धार होगा हमारा? तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, जो भगवान कृष्ण है ना, उनकी कथा सुनने से हमारा उद्धार होगा। तीव्रेन भक्ति भगवान का नाम लेने से, भगवान की कथा सुनने से हमारा उद्धार। दूसरा प्रश्न पूछिए कि हे महाराज, इस संसार में लोग अपने शरीर को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे चीज करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर पाउडर, क्रीम और क्या क्या, ना जाने क्या क्या लगाते रहते हैं। ब्यूटी पार्लर जाते हैं, बहुत सारे भोजन बनाते हैं, खाते हैं, बहुत सारे अन्य अन्य क्रियाएं करते हैं महाराज। बहुत सारे नाच गान का आयोजन करते हैं और सुनते हैं, लेकिन महाराज आत्मा को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा का पोषण किससे होगा? तब सुध गोस्वामी कहते हैं, सवे पुनशाम परो धर्म ये तो भक्ति रधोक्ष, यह तो की अप्रतिहता यथा आत्मा सुप्रसिद्धि। इस संसार में अनेक धर्म है, जैसे मातृ धर्म, पितृ धर्म, देश धर्म, लेकिन ये सब धर्म कितने दिन के लिए है? जब तक ये शरीर है, 50 साल 100 साल, बस इसके बाद क्या होगा? ये सारे धर्म खत्म हो जाएगा। सवे वंश पुंस सवे पुनशाम परो धर्म। आत्मा का सबसे बड़ा धर्म, सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है परमात्मा की सेवा करना, अधोक्ष भगवान विष्णु भगवान कृष्ण की सेवा करना। जब तक हम भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, तब तक आत्मा प्रसन्न नहीं हो सकती है। आत्मा प्रसन्न नहीं हो सकती। तीसरा प्रश्न, हे सुध गोस्वामी, अब परम बुद्धिमान हो। सुध गोस्वामी, हमारा तीसरा प्रश्न है, सुत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतम पति देवक्यम वासुदेवस्य जातो यस्य चिकृष्य। इस संसार में धर्म कार्य है तो, बहुत ध्यान पूर्वक प्रश्न सुनिए, इसी पे कथा होगी। ओए कुछ वॉलंटियर्स रखने पड़ेंगे, बिठाओ इन लोगों को, बैठ जाओ। क्या कहते हैं, इस संसार में धर्म कार्य हेतु, कभी कभी धर्म की स्थापना हेतु भगवान और उनके अवतार होते हैं। लेकिन आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने अवतार लेकर स्वयं, भगवान अवतार ना लेकर के स्वयं भगवान कृष्ण इस धराधाम पर आए। और भगवान अवतार नहीं, अवतारी हैं, मतलब समस्त अवतारों के स्रोत हैं। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण, इसका उत्तर आगे चल करके सुखदेव जी सुध गोस्वामी देंगे। चौथा प्रश्न, हे सुध गोस्वामी महाराज, हमें बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार में अवतार धारण करके कौन से कर्म किए, कौन सी लीला संपन्न की, और ये भी बताइए कि इतनी पत्नियों के साथ विवाह क्यों किया। आज संसार में जब बालक होते हैं तो अपने मामा को बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन कृष्ण ने अपने ही मामा को मार दिया। ये सब प्रश्न किए। पांचवा, हे सुध गोस्वामी, जब तक भगवान श्री कृष्ण इस संसार में रहे, कृष्ण की उपस्थिति जब तक इस धरती में थी, तब तक संसार के सब लोग धार्मिक थे, लेकिन अब भगवान चले गए तो अधार्मिक हो गए। तब अब जब भगवान चले गए तो धर्म किसका शरण में गया, धर्म किनके शरण में गए? तब इस पांचवें प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के जाने के बाद धर्म साक्षात श्रीमद् भागवत के शरण में गया।
कोई यहाँ पे सिगरेट भी पीता है क्या बाहर जा करके? शायद अच्छा उसका कसूर। तो कहते हैं कि जब भगवान अपनी लीला समाप्त करके 128 साल के बाद जा रहे थे ना, जा रहे थे, तो उस समय उद्धव जी को बुलाया और उद्धव जी को कहा, उद्धव मैं अब जा रहा। उद्धव जी कहने लगे, प्रभु प्रभु आप हमें छोड़ करके मत जाओ, आप हमें छोड़ करके मत जाओ, आप मुझे छोड़ करके मत जाओ। तो उस समय मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। बहुत मनाया, बहुत मनाया, तो भगवान कहे कि उद्धव मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं श्रीमद् भागवत के रूप में सदा सदा तुम्हारे पास रहूंगा। और उसी समय भक्तों उद्धव जी के देखते देखते भगवान उनके सामने श्रीमद् भागवत में परिणित हो गए। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की। और अंतिम प्रश्न किया, क्या किया? यथा यक्षा हि हरे धीमन अवतार कथा शुभ लीला विद्धत श्वेरम ईश्वरस्य आत्ममाया। अब आप हमें यह बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी अवतार लिए, भगवान ने जितने भी इस धरा धाम पे अवतार लिए, उन अवतारों की कथा सुनाएं। हम कृष्ण की अवतारों की कथा सुनना चाहते हैं। अब 84,000 ऋषि मुनि 24 अवतारों की भूमिका, हे धीमन हे परम विद्वान। मानो उस समय सुध गोस्वामी प्रश्न करे कि हे ऋषि मुनियों, 24 अवतार की कथा तो हर कोई नहीं सुना सकता, हर कोई 24 अवतार की कथा नहीं सुना सकता, उसके लिए बहुत बुद्धिमान होना पड़ता है तब सुना सकते हैं। तो ऋषि मुनि कहते हैं, हे धीमन हमें पता है कि आप बहुत बुद्धिमान हो। धीमन शब्द मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। हे धीमन आप बहुत बुद्धिमान हो। इस संसार में कृष्ण जितने भी अवतार लिए, इन अवतारों की कथा में बोले शुभा, क्योंकि कृष्ण की कथा जो है क्या है? शुभा, शुभ करने वाली है। तो ये 24 अवतार की कथा जो है बहुत अद्भुत कथा है, बहुत अद्भुत कथा। वेद व्यास जी 24 अवतार की कथा कहने के बाद श्रुति फल बताते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूं ताकि आपकी श्रद्धा, देखो क्या श्रद्धा है। माइक दुमा दी वहां पे कुछ दिव्य गप हो रहे हैं। कथा सुन करके कुछ उसको जीवन में उतारना चाहिए कि सबसे बड़ा कार्य क्या है? भगवान की कथा सुनना। क्या बता रहा था अभी मैं, बताओ? जो भी अवतारों की कथा जो व्यक्ति सुन लेता है ना, जो भी व्यक्ति कथा सुन लेता है उसके जीवन के दुख ग्राह मुच्यते, सभी दुखों से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, वह सुखी हो जाता है। श्रुति फल बताते हुए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 24 अवतारों की कथा सुन लेता है और ये कथा सुनने के बाद मात्र इन 24 अवतारों का स्मरण कर लेता है, तो उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आ सकता।
लेकिन उसके लिए हमें 24 अवतारों की कथा सुननी होगी, याद रखनी होगी तब। और वो कैसे होगा? जब हम एक दिन आएंगे, दो दिन गायब रहेंगे, फिर तीसरे दिन आएंगे, तब होगा कि नहीं? अगर आप एक दिन आएंगे और दो दिन गायब रहेंगे तो कथा समझ में आ जाएगा आप लोगों को? आएगा, याद रहेगा? नहीं रहेगा। तो याद रखने के लिए और सुनने के लिए दिन। इस प्रकार बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं और अब धीरे धीरे अवतार की ओर बढ़ रहे हैं। पर भक्तों, 24 अवतार की कथा सुनने से पहले भगवान के कुछ अवतार होते हैं, किस प्रकार से अवतार होते हैं उनका वर्णन किया जाता है। भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। कितने प्रकार के? अगर आप ये कथा सुन लिए ना, तो मैं एक बात तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप कभी भी किसी बाबा बापू के चक्कर में जीवन में नहीं फंसोगे। कोई बोलता है ना कि मैं बाबा भगवान, मैं बापू भगवान, तो इन सबके चक्कर में आप नहीं फंसोगे। अब देखो, भगवान किसको कहते हैं उसकी व्याख्या कर रहे हैं, भगवान के अवतार कैसे होते हैं उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो कहते हैं भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। कितने? हाउ मेनी? 6। पहला होता है पुरुषावतार। कौन सा? पुरुषावतार का अर्थ है सृजन करने के लिए, इस संसार का सृजन करने के लिए भगवान जो अवतार धारण करते हैं उसे पुरुष अवतार कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे भगवान श्री कृष्ण ने संसार का सृजन करने के लिए 3 पुरुष अवतार धारण किए, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। दूसरा होता है गुणा अवतार। कौन सा? गुणा। इस सृष्टि को चलाने के लिए भगवान जो अवतार धारण करते हैं अथवा किसी विशिष्ट जीव में, गुणावतार, इस सृष्टि को चलाने के लिए भगवान जो अवतार धारण करते हैं उसे गुणावतार कहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, है ना, तो ये क्या हो गए? भगवान के गुण अवतार। जैसे भगवान विष्णु जब रजोगुण का संसर्ग करते हैं तो ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और जब तमोगुण को स्पर्श करते हैं तो शिव जी उत्पन्न होते हैं। तीसरा है लीला अवतार। कौन सा? लीला अवतार। साक्षात भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी पर आते हैं और अद्भुत पराक्रम करते हैं ना, अद्भुत अद्भुत लीला करते हैं, जैसे राम कृष्ण, तो ये हो गए लीला अवतार। और तत्पश्चात है मनवंतरा अवतार। कौन सा अवतार? मनवंतरा अवतार। कौन सा अवतार बताओ? चौथा अवतार कौन सा है? मनवंतरा अवतार। प्रत्येक मनवंतर में आप लोग मनवंतर जानते हैं? मनवंतर क्या होता है? ये हमारी भारत भूमि देख लो, कैसे होगा ऐसे हैं? ये सब तो जानना ही चाहिए आप लोगों को। चलो एक मनवंतर बता देता हूं आप लोगों को क्या होता है। 60 सेकंड में एक, 60 मिनट में एक घंटा, 30 दिन में एक महीना, 12 महीने में, और ऐसे 432,000 वर्ष बीते हैं तब कलयुग मनवंतर। कलयुग की अवधि कितने? और इसको अगर डबल करें तो 8,64,000। किसकी अवधि? द्वापर युग की। 12,96,000 वर्ष किसकी? त्रेता की। और 17,28,000 किसकी? सतयुग की। तो ये जब कलयुग, द्वापर युग और त्रेता युग एक बार बीते हैं तो बोलते हैं उसको चतुर्युग। क्या बोलते हैं? चतुर्युग। और जब ऐसे 71 चतुर्युग बीते हैं, क्या बीते हैं? 71 चतुर्युग बीते हैं, तब होता है एक मनवंतर। ठीक है, कितना? एक मनवंतर में कितने चतुर्युग? 71 चतुर्युग। और प्रत्येक मनवंतर में भगवान एक विशेष अवतार धारण करते हैं, तो इसको मनवंतरा अवतार कहते हैं। पांचवा है युगावतार।
कौन सा? युगा अवतार। प्रत्येक युग में भगवान को कुछ विशेष कार्य करने होते हैं, इसलिए भगवान एक युगा अवतार धारण करते हैं। छठा है सत्यावेश अवतार। कौन सा? सत्यावेश अवतार। भगवान को इस पृथ्वी पर जब कुछ विशेष कार्य करने होते हैं, कुछ दिव्य कार्य करने होते हैं, तब भगवान क्या करते हैं? अपनी शक्ति किसी व्यक्ति में निहित कर देते हैं, ठीक है ना, किसी विशेष व्यक्ति में निहित कर देते हैं, तो उस वह भगवान के अवतार कहलाते हैं। जैसे वेद व्यास जी, जैसे नारद जी, तो इस प्रकार से कितने अवतार हो गए? सिक्स। छह कितने हुए? याद रह गए? चलो बताओ कौन सा बताया, जोर से बताओ। हाँ चलो पुनः मेरे साथ रिपीट करो, बोलिए। गुणा अवतार, लीला अवतार, पुरुषा अवतार, कितने हुए? चौथा, ढूंढो ढूंढो, वेरी गुड, मनमंत्रा अवतार। पांचवा, हाँ सत्यावेश, वेरी नाइस। छठा, अंतिम बता दो, एक छूट रहा है, एक छूट रहा है। चलो चलो, कम ऑन कम ऑन, युगा अवतार। कौन बोला? हरी बोल माता जी के लिए, जोरदार हरी बोल होना चाहिए। हरी 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 बोल, वेरी नाइस माता जी, गुड 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 गुड। क्या नाम है आपका? हरी, बहुत अच्छा नाम है, शिवानी माता जी की जय। हरी बोल, वेरी नाइस माता जी, गुड गुड। तो कितने अवतार होने चाहिए? छह अवतार। तो इस प्रकार के भगवान के कितने अवतार हो गए? छह, गुड गुड। इतने श्रोता बैठे हुए ना, सब उठ के चले जाए, और बच्चे बैठे रहे तो मैं भागवत कथा कर सकता, सब लोग उठ के चले जाए, और अकेले वो बैठ के सुने तो भी मैं भागवत कथा सुन कर सकता हूँ। अगर यह इस प्रकार के श्रोता एक भी कथा में बैठ करके सुने, है ना, तो इस प्रकार भगवान के छह अवतार। अब बोलिए भगवान के अवतार कैसे होते हैं, तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपके गांव में एक भगवान बने कि नहीं? अभी तक नहीं बने हैं। नहीं तो आज तो हर जगह भगवान मिल ही जाते हैं। जहां देखो तब फलाने बाबा भगवान, साईं बाबा, फलाना बापू, फलाना काका, फलाना माई, फलाना चाची, फलाना पापा, फलाना भाई। अरे क्या भगवान, भगवान हम, भगवान तुम, भगवान ये, भगवान साहब, भगवान ही तो बैठे हुए। मूर्खता है। क्या है? मूर्खता। भगवान कौन है? कृष्ण। कौन है भगवान? केवल कृष्ण। कौन है भगवान? केवल। कोई शक? नहीं। शक है? कोई शक? नहीं। क्लियर हो रहा है? कौन है भगवान? कृष्ण। आवाज पीछे से नहीं आ रही है। भगवान कौन है? आप लोग कंफर्म नहीं है, मैं प्रूफ देता हूँ कौन है भगवान। कुछ लोग बोलेंगे ब्रह्मा जी भगवान है। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। इस संसार में बहुत सारे ईश्वर हो सकते हैं, लेकिन उन ईश्वरों का ईश्वर कौन है? ईश्वर कृष्ण परम सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कौन? गोविंद भगवान है, कृष्ण भगवान है। तब तक कुछ लोग बोलेंगे प्रभु जी भोलेनाथ भगवान है। भोलेनाथ भगवान नहीं है, भोलेनाथ खुद कहते हैं आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम। विष्णु आराधना परम। बहुत सारे आराधना करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ किनकी आराधना है? कृष्ण की। फिर रामायण में कहते हैं हरि अम उमा का अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि ही भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। कौन लोग बोल रहे थे? दुर्गा जी अथवा सूर्य देव। तो ऐसे सब देवी देवता एक बार मिल गए, सब लोग मिल गए, और वे लोग कृष्ण को प्रार्थना करते हुए कहते हैं सत्यव्रतम सत्यतृष्ण। मुझे याद नहीं आ रहा है उस लोग थोड़ा सा, लेकिन वहां पे भगवान कहते हैं, सभी देवी देवता भगवान को स्तुति करते हुए कहते हैं कि भगवान इस संसार में केवल एक ही है, और वह कौन है? बाद बाकी देवी देवता है, देवी देवता है, लेकिन भगवान कौन है? कृष्ण। और आजकल के जो ये बाबा काबा बापू उपू आ रहे ना, ये भगवान नहीं, देवी देवता भी नहीं, ये मनुष्य भी नहीं है, राक्षस। अपने को भगवान कौन कहा करता था? अब लेकिन प्रभु जी ऐसे क्यों बोल रहे हो? देखो कितना बड़ा बड़ा तिलक लगाता है। तिलक लगाने से क्या होता है? हिरण्यकश्यप बड़ा बड़ा धोती कुर्ता पहन करके निकलता था, और अपने आप को क्या कहता था? भगवान। लेकिन क्या था बताओ? आप लोग क्या था बताओ? रावण क्या था? असुर था। तो इनकी कैटेगरी ये, तो फिर रावण हिरण्यकश्यप इससे बन भी नहीं सकते, वो तो बहुत महान थे, ये थर्ड क्लास के हैं। और हमारे बॉलीवुड वाले बीच बीच में एक दो भगवान को लॉन्च करते ही रहते हैं, जब तक ये फिल्म नहीं आई ना। कौन सी फिल्म जिसमें गाना गाया गया? शिरडी वाले साईं बाबा आए हैं तेरे दर पे। तुरंत वो हीरो कौन था पता नहीं, उसकी माता की लाइट आ गई आंख में। साईं बाबा चमत्कारी है, कोई चमत्कारी नहीं है, ध्यान रखिए भगवान नहीं है।
ठीक है। अगर आपको अपने घर पे फोटो रखना ही है, राम के रखो, कृष्ण के रखो। फिर क्यों रखेंगे हम किसी दूसरे का फोटो? होता है, शास्त्र में वर्णन है कहीं पे, बताओ आप लोगों को। मुझे लग रहा होगा प्रभु जी आप भेद कर रहे हैं, भेद नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविकता बता रहा हूं। तब तक एक आ गए महाराज राम रहीम जी। मैं ये साईं बाबा तो हिंदुओं के ही देवता, अपनी मुस्लिम होकर के, लेकिन ये तो बोले मैं राम का भी देवता, रहीम का भी देवता और ईसा यीशु मसीह का भी देवता। आ जाओ सब मेरे शरण में। तब तक कुछ पुलिस वाले गए इसको पकड़ के जेल में डाल दिए। बेटा अब जेल में लीला कर। देखो कोई बाबू का नाम ले रहे हैं। उन्होंने एक रामायण लिख दी, मालूम है जो रामायण पढ़ते हैं, एक रामायण है आशा रामायण। क्या रामायण? आशा रामायण। और उस रामायण में राम जी वो खुद बन गए। राम जी को शायद देखो कितना बड़ा अपराध किया जीवन में, कितना बड़ा अपराध किया, कितना बड़ा पाप किया, सोचो थोड़ा। राम जी को रामायण से हटा दिया, खुद बन गया रामायण। राम क्या बन गया? राम। थोड़ा सोच सकते हैं कितना बड़ा अपराध। ये यसुरों से भी गिरे गए हुए प्रभु जी, खुद खुद रामचंद्र बनकर के लीला करने लगे आशा रामायण में। पुलिस वाले आए, बेटा बहुत तेरी लीला हो गई, अब चल जेल में लीला करेगा। तो ये लोग आजकल जेल में लीला किया करते हैं, भगवान बने फिरते हैं। तो ये सब कोई भगवान नहीं है, ध्यान रखिए। अगर आप लोग भी इनके पास जाते हैं तो क्या करिए, बचिए, क्योंकि शास्त्र में कहीं वर्णन है, कोई वेद कोई पुराण में नहीं है। तब तक कोलो बोलेंगे हमारे वेद में तो है, हमारे पुराण में तो है, तो हमारा वेद भी हमारा और आपका होता है। वेद तो वो है जिसे किसने लिखा? वेद व्यास जी ने लिखा। शास्त्र तो उस वो है जिसे लिखा वेद व्यास जी ने, और दूसरा लिखने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। तो लोग थकने के लिए क्या करते हैं, कुछ पुस्तकें लिख देते हैं, है ना। तो वह भगवान नहीं है। इन सारे चीजों का ध्यान रखना। कोई आप लोग ऑब्जेक्शन है क्या किसी को भी? चलो अब एक स्वर में बोलो कौन है भगवान। क्लियर नहीं है, कौन है भगवान? भगवान खुद भगवद गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभुः, मैं ही सबका क्या हूं, उद्गम स्थान है ना, मैं ही अहम सर्वस्य बीज प्रदः पिता, मैं ही सबका पिता हूं। बीज देने वाला कौन है? पिता। इसलिए ध्यान दे करके अब बोलिए कौन है भगवान। देखिए इस कथा पंडाल से क्रांति आनी चाहिए। जो ऐसे लोग है ना जो इस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं, फलाने बाबा फलाने बापू फलाने चाचा चाची भगवान, उनके उधर एक जाना चाहिए संदेश, भगवान कौन है। अरे पीछे से आवाज नहीं आ रही है, जोर से कौन है भगवान। गुड, ऐसा होना एक स्वर में आना चाहिए कि कृष्ण भगवान है। कोई संदेह? कोई शक? नहीं, कृष्ण भगवान। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे, कौन कह रहे हैं? भगवान स्वयं कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भोलेनाथ कह रहे हैं, दुर्गा देवी कह रहे हैं, इंद्र कह रहे हैं, सब लोग और संसार के समस्त ऋषि मुनि कह रहे हैं, ये सब भगवान साक्षात कृष्ण को अंगुली दिखाते हुए कह रहे हैं यही कौन है, भगवान है। ठीक है, क्लियर हो गया। एक व्यक्ति ने 32 भागवत कथा कराई लेकिन उसको क्लियर नहीं था कि भगवान कौन है। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि एक ही कथा में क्लियर हो गया भगवान कौन है, कृष्ण। तो उनके कथा वाले भी वैसे ही होंगे, आकर के बस दक्षिणा प्रभु जी बोले दक्षिणा बटोरते और चले जाते हैं, बस वही स्थिति है एकदम कृष्ण भगवान। देखिए भगवान जब लीला करते हैं ना भक्तों, तो उनके अद्वितीय अद्भुत अद्भुत लीला करते हैं। भगवान जब आते हैं ना इस संसार में तो आप देखना आगे वर्णन आएगा, भगवान शंख चक्र गदा पद पीताम्बर धारण करिए आते हैं। और आजकल के थर्ड क्लास व्यक्ति जो अपने आप को पीताम्बर बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, उसको बोलो जब जन्म लिया था तो एक कोपी भी पहन के आए थे, एक चड्डी भी पहन के आया था नहीं। भगवान 7 दिन तक गोवर्धन धारण करके रखे हाथ में। पूछो कि भाई 7 दिन तक गोवर्धन धारण मत करो, एक वो 10 किलो वाली बोरी आती है ना आटा की, बोली सीखो 7 घंटे धारण करके दे दो, हालत खराब हो जाएगी प्रभु, हाथ को लकवा मार देगा उसके, हिम्मत नहीं है उसकी। तो भगवान बनते रहते, भगवान विश्व रूप दिखा सकते, ये कभी विश्व रूप दिखा सकते? थर्ड क्लास के व्यक्ति कपड़े अगर उतार दिए तो खाली हड्डी और मांस ही दिखेगा और शरीर में कुछ दिखेगा ही नहीं। विश्व रूप दिखाया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, विश्व रूप दिखाया भगवान कृष्ण ने वसुदेव को, विश्व रूप दिखाया भगवान कृष्ण ने यशोदा को, विश्व रूप दिखाया भगवान श्री रामचंद्र ने कौशल्या को। और ये बेवकूफ बोलते हम भगवान है, हम भगवान, भगवान कैसे बन जाएंगे। तो इस प्रकार भगवान जब आते हैं ना भक्तों तो भगवान की बहुत सुंदर, और भगवान की क्या पहचान है, भगवान के जो हाथ होते हैं ना घुटने से ज्यादा लंबे होते हैं, घुटने से ज्यादा लंबा होता है भगवान के हाथों में, अजानुलंबित क्या होते हैं भगवान के हाथ, अजानुलंबित बहुत लंबा होता है। और भगवान के हाथ में भगवान के पांव में बहुत सुंदर सुंदर क्या बने रहते हैं, चित्र रहते हैं, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि। तो ये है भगवान। आपने देखा साईं बाबा के हाथ में कोई चिन्ना, तो फिर कैसे हो गए भगवान। ध्यान रखिए हमें घर पर फोटो भी नहीं रखना चाहिए।
ठीक है, बचिएगा आप लोग, बचिएगा कभी भी नहीं, अगर रखा है तो ले जाके फेंक दो। अरे तो मुझे दे देना, मैं जाऊंगा तो क्यूल नदी आती है, डालते भी चला जाऊंगा। ठीक है एक ठेला लेते हैं, एक ठेले में सब लोग डाल देना, मैं विसर्जन करते चले जाऊंगा। तो इस प्रकार का सिद्धांत का वर्णन करते हुए बताते हुए कहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आगे बताते बताते कहते हैं कि ये ते चंद्र कला पुंशः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियादि व्याकुलम लोकम विद्यन्ति युगे युगे। ये सारे क्या है, भगवान के अवतार हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कौन है, भगवान स्वयं स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर गोलोक बिहारी इस पृथ्वी पर आए, सुप्रीम गॉड है। जैसे आप 24 दिया ले लीजिए और एक दिया लीजिए, अब उन 2400 दियों को दिए को इस दिए से जलाइए, जल तो रहे हैं 2400 दिए लेकिन जलाने वाला एक दिया, तो वो एक दिया कौन है, कृष्ण। बस यही अंतर है कृष्ण में और अन्य अवतारों में। तो इस प्रकार भगवान के अद्भुत लीला तो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई मुझे ये भी कथा इतनी अद्भुत है ना भक्तों, क्योंकि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु जी हमें पितृ नड़ रहे हैं, फलाना देवी फलाना देवता फलाना भूत नड़ रहा है, लेकिन आप कृष्ण की कथा सुनोगे कृष्ण की भक्ति करोगे तो आपको कोई नहीं नड़ेगा। कृष्ण से ही सभी देवी देवता सब प्रकट है ना। तो इस प्रकार से वेद व्यास जी कहते हैं अवतार संख्या है सर्वनिधि द्विज, अवतार असंख्य है, मैं भगवान के अवतारों को लिख नहीं सकता, लेकिन केवल गिनाने के लिए, क्या करने के लिए, गिनाने के लिए 24 अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। कितने अवतारों का, 24 अवतारों। तो सुखदेव जी गोस्वामी सुद गोस्वामी महाराज ऐलान कर रहे हैं और वेद व्यास जी अपना कलम चलाते हैं। आइए हम भी यहाँ से प्रथम अवतार की कथा प्रारंभ करते हैं। सवे प्रथमं देवः कुमारं सर्गमाश्रितः चचार दुष्यरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखण्डितम्। श्री वेद व्यास जी अपना कलम चलाते हैं, सुखदेव जी बोल रहे हैं शैव प्रथम देव, भगवान का प्रथम अवतार कौन सा। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि रे भगवान का पहला अवतार कौन, दूसरा अवतार कौन, लेकिन ध्यान रखिए भगवान का पहला अवतार और दूसरा अवतार नहीं होता, केवल गिनाने के लिए सुखदेव जी गोस्वामी महाराज क्या कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं। तो पहला अवतार क्या कह रहे हैं, पहला अवतार हुआ भगवान का चार कुमारों के रूप में, कौन से, शनक सनंदन और सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये भगवान के सत्यावेश अवतार हुए। कौन से अवतार हुए, सत्यावेश चचार दुष्यर, और ये छोटे बालक के रूप में उत्पन्न हुए और बस उतने ही बड़े बालक रह गए, बड़े नहीं हुए। भगवान
भगवान ने एकदम बालक का रूप धारण किया, कुमार कुमार अवस्था से कभी भी ये बड़े आज तक ये छोटे छोटे बालक बने हुए हैं। और हमने बताया कि भगवान जब अवतार धारण करते हैं तो कुछ उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य है? तो कहते हैं चचार दुष्चरम अखंड ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की शिक्षा देने के लिए अवतार धारण किया। भक्तों, इस जगत में ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारी शक्ति बढ़ती है, हमारे शरीर का तेज बढ़ता है, हमारे आंखों का तेज बढ़ता है। और क्या कहूं, जो व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, वह भगवान के बहुत निकट पहुंच जाता है, बहुत ही निकट पहुंच जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मत्व का पालन बहुत अच्छे तरीके से करे, बहुत अच्छे से। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, वो बहुत प्रभावशाली है, बहुत प्रभावशाली है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया पितामह भीष्म ने, आप जानते हैं उनकी शक्ति, इच्छा मृत्यु का होता है। ये तो कलयुग की बात हो रही है। और इसे तो वो तो द्वापर युग की बात हो गई, कलयुग में भी ब्रह्मचर्य पालन किया रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने, जिन्होंने ना अपने तो भारत का, नहीं भारत में पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर दिया। ब्रह्मचर्य में बहुत शक्ति है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए हमें इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की भक्ति करनी चाहिए। भक्तों, शास्त्र में हमारे इंद्रियों को क्या कहा गया है? घोड़ा। क्या कहा गया? घोड़ा। और इसके मालिक कौन है? लगाम किसके हाथ में है? लगाम हो गया इसका मन, और जो जो बुद्धि हो गया इसका सारथी, और इसके ऊपर बैठा कौन है? हम। कुछ लोग कहते हैं हम ना अपने मन के अनुसार से चलते हैं, किसी के अनुसार से नहीं चलते, हम मन के अनुसार चलते हैं। तो भाई तू तुरे अनुसार से नहीं चल रहा है, तुझे मन नचा रहा है। मन क्या कहते हैं? हम मन के मर्जी हैं, मन के मालिक हैं। तू मन का मालिक नहीं, मालिक तेरा मन बन के बैठा है, मन तेरा मालिक है। इसलिए अपने इंद्रियों को विजय प्राप्त करना चाहिए। जैसे ही इनका जन्म हुआ, कुमार आचरण निर्वाह करने के लिए साधारण बालक के रूप में ही रहे। और ब्रह्मा जी ने इन चारों को कहा कि भाई, ब्रह्मा जी ने इन चारों को स्वयं अपने से ही जन्म दिया। और इन्होंने कहा कि भाई आप जो है सो क्या करो, सृष्टि करो, इस संसार को आगे बढ़ाओ। लेकिन इनका उद्देश्य ही था क्या? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, भगवान की भक्ति करना। उन्होंने कहा कि हम भगवान की भक्ति करें। तब मन में प्रश्न हो सकता है कि भाई ब्रह्मा जी से ही प्रकट हुए, अपने पिताजी की ही बात नहीं मान रहे, अपने माता पिता भी अगर कृष्ण की भक्ति में बाधा आए तो उन्हें उनके आदेश का हमें पालन नहीं करना चाहिए। अगर भक्ति में बाधा आवे तो बोले प्रोजी ये क्या शिक्षा है? ये शिक्षा मेरी नहीं है, ये शिक्षा वेदों की है।
राम जी से मिलने के लिए कौन बाधा बन रहा था? हाँ, कई 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 ने क्या किया? कई कई को भरत जी ने क्या किया? त्याग दिया। अभिषेक को बोलो कैमरा का चार्ज खुला हुआ है, इसको दिखता नहीं है। तो उसने उनका त्याग कर दिया। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई भाई भले उनका आदेश नहीं था, लेकिन क्योंकि भगवान की भक्ति करनी थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया? उनके आदेशों का पालन नहीं किया। तो इस प्रकार इनकी दिव्य अवतार भक्तों, बहुत सुंदर अवतार किया। अरे अभी भी इसको समझ नहीं। तो आप लोग हल्ला नहीं करिए, बैठ जाइए। बच्चों को क्या दिक्कत है? घर पे जाना है तो पीछे ही बैठा करो। जिनको पहले घर जाना हो पीछे बैठिए और पीछे से निकल जाया करो। अरे वो चार्जर का तार है, एकदम ध्यान ही नहीं है। चार्जर में लगा उसको नीचे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार चतुष कुमार का अवतार। अभी भीड़ मत कराओ, इन लोगों को बिठा दो साइड में ले जा करके। क्यों अभी ये कर रहे हैं? बिठाओ, अभी कथा चलेगी, बैठ जाओ वहीं पे। और कथा के सामने समय कथा सुनाओ बाद में, या तो पहले इनको तैयार करो या फिर बाद में। कल भी बोला हूँ इस चीज में, कथा से नहीं सुनेंगे तो ड्रामा क्या करेंगे। नीचे बैठ जाओ, हरि बोल हरि बोल। नीचे सब लोग बैठ जाओ, नीचे बैठो, नीचे बैठो। तो अभी देखना यहाँ ड्रामा होगा उसमें देखो। अभी शांत क्या करते आप लोग? तो ये ऋषि मुनि बहुत ही, चतुष कुमार बहुत अद्भुत है भक्तों। इनके जीवन की अगर मैं आप जीवन के विषय में बताऊं, बहुत सुंदर ये तपस्या करते हैं, अपने जीवन को जीते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। एक छोटी सी घटना भागवत में, भागवत महात्म्य में अगर आप देखें तो पद्म पुराण में वर्णन आता है कि एक बार नारद मुनि या चतुर कुमार एक बार पृथ्वी, ये पूरे संसार में विचरण करते रहते हैं। और एक बार विचरण करते करते ये क्या हुए, ये इस पृथ्वी पर आए, बद्रिका आश्रम में आए। और जब आश्रम में आए तो इन्होंने देखा कि नारद जी बहुत परेशान हैं। नारद जी को परेशान देख करके इन्होंने बोला, अरे आप इतने परेशान क्यों हैं? नारद जी ने बताया कि महाराज देखिए मैं पृथ्वी लोक पे गया था। कहाँ गया था? पृथ्वी लोक पर। पृथ्वी लोक पर जब गया तो मैं जब वहां की दुर्दशा देखा तो मैं बहुत परेशान हो गया। फिर मैं वृंदावन आया और वृंदावन आने से थोड़ी सी मुझे शांति मिली, लेकिन मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? कि एक बूढ़ी औरत, क्षमा चाहूंगा, एक जवान औरत थी और उसके दो पुत्र उसके अगल बगल एकदम असहाय अवस्था में, उनसे बूढ़े होकर के एकदम जीर्ण अवस्था में लेटे हुए थे। मुझे पूछने से पता चला कि ये उनके पुत्र हैं। जब मैंने पूछा तो पता चला कि ये साक्षात भक्ति महारानी हैं। कौन हैं? भक्ति महारानी। और ये उनके दो पुत्र कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। मैंने जब पूछा तो वो कहने लगे कि महाराज कलयुग के पापों से क्या हो गए हैं? बूढ़े हो गए। तो समय मैंने उनको बहुत उठाने का प्रयास किया लेकिन ये उठे नहीं महाराज। तो अतः मैं उनके लिए ही विचार कर रहा हूँ। आप तो बहुत विद्वान हैं, आप बताइए कि कैसे होगा। तब उन्होंने कहा कि हे नारद जी, अगर आप उनका वाकई उनका उद्धार चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? भागवत सप्ताह का आयोजन करना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? भागवत सप्ताह का आयोजन करना पड़ेगा। अतः आप जाइए और भागवत सप्ताह का आयोजन करिए।
तो उन्होंने पूछा कि भागवत सप्ताह हमने तो वेदों के मंत्र बताया, शास्त्रों के मंत्र बताया, इसे तो उसका उद्धार नहीं। बोले हाँ, इसीलिए भागवत सप्ताह का आयोजन करो, भागवत कथा वह सुनेंगे तो वह तुरंत ठीक हो जाएंगे। नारद मुनि ने ऐसे ही किया। भक्तों कहा कि भाई भागवत कथा सुनाने के लिए चार चीज चाहिए। कितने चीज चाहिए? चार चीज। क्या क्या? सर्वप्रथम स्थान चाहिए। क्या चाहिए? उसके बाद वक्ता चाहिए, स्थान, वक्ता, और फिर उसके साथ गान, कीर्तन, और साथ ही साथ श्रोता, उसके साथ प्रसाद। क्या चाहिए? प्रसाद के बिना मजा नहीं। तो हे नारद जी, आप ये सारी व्यवस्था करो, महाराज हो जाएगा, आप वक्ता बनो, हम जा रहे हैं, हम बहुत सुंदर बद्रिका आश्रम में, बहुत सुंदर आनंद वन है, उस आनंद वन में ही कथा का आयोजन करेंगे, वहाँ बहुत सुंदर फ्रूट्स लगे हुए हैं, उन फ्रूट्स को तोड़ करके बहुत सुंदर प्रसाद बना दिया जाएगा, और गाने बजाने के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था हो जाएगी। बोले ठीक है। बहुत सुंदर भक्तों कहते हैं कि उस बद्रिका आश्रम में बहुत सुंदर कथा प्रारंभ हो, बहुत सुंदर कथा प्रारंभ हुई, और जैसे ही इस भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों ने सुना कि बहुत सुंदर वहां पर कथा आयोजन किया गया है, तुरंत बहुत सुंदर जैसे ही सुना भागवत कथा आयोजन, जो ज्ञान और वैराग्य लेते हुए थे, असहाय लेते हुए थे, वह दौड़ने लगे। भक्ति महारानी के साथ साथ वह दौड़ते हुए उत्तराखंड आ गए, बद्रिका आश्रम पहुंचे। बहुत सुंदर कथा प्रारंभ हुई। कहते पहले दिन की कथा सुनते सुनते दोनों ज्ञान और वैराग्य उठ करके बैठ गए। दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई और दूसरे दिन की कथा खत्म होते होते यह दोनों खड़े हुए। तीसरे दिन की कथा, चौथे दिन की कथा, इस प्रकार से यह कथा चलने लगी, कथा चलने लगी, और ज्ञान और वैराग्य धीरे 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 करके ठीक होते गए। कहते सातवें दिन बहुत सुंदर महानाम संकीर्तन आयोजन हुआ, और यह ज्ञान और वैराग्य उस हरिनाम संकीर्तन में, जो कि बूढ़े हो गए थे, जो खड़े नहीं हो पा रहे थे, ऐसे ज्ञान और वैराग्य उस हरिनाम संकीर्तन में नाचने लगे। आइए हम भी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और ज्ञान और वैराग्य के साथ हरिनाम संकीर्तन करते हुए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shyam Babu kahan hai? Shyam Babu Prabhu. हरिनाम संकीर्तन के जय। तो इस प्रकार से उस दिन से जो कोई व्यक्ति भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, चार घंटा बोला है, बैठ जाओ, अभी दो घंटे बैठ जाओ, शांति से बैठो एकदम। कथा का संवाद चला अथवा आत्मदेव धुंधकारी और धुंधली की कथा, इतना सुंदर वर्णन प्रभु जी ने किया किस तरह से सुखदेव जी का आगमन कराए, ऐसा लग नहीं रहा था कि हम यहाँ बिहार में या झारखंड के क्षेत्र में कहीं हैं। हमें तो लग रहा था कि सब लोग वहीं पहुँच गए जहाँ सुखदेव जी आए हैं। तो आइए हिज ग्रेस रूपानुगदास प्रभु जी का हम महामंत्र बोलकर धन्यवाद करेंगे, जो इतना सुंदर व्यवस्थित रूप से हमें कथा सुनाए। सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा। अरे भाई धन्यवाद तो कीजिए, तीन घंटा प्रभु जी बोले हैं, आपको तीन मिनट भी नहीं बोलना है, तीन तीस सेकंड के लिए खाली बोलना है हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम।
हरे राम 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 हरे हरे। तो एक विशेषता हमने देखा प्रभु जी के अंदर कि कथा बोलते हैं तो प्रभु जी कथा में प्रवेश कर जाते हैं, और दूसरा जो कथा सुनने वाले हैं उनको एक एक पॉइंट याद दिलाते हैं, रिपीट कराते हैं, पूछते हैं। इससे क्या होता है कि सब ऊपर से नहीं जाता, याद रह जाता है। तो बहुत सुंदर विधि, बहुत सुंदर शैली और सुंदर भाव के साथ आज हम लोग कथा का दूसरा दिवस यहाँ पूर्ण करते हैं। अभी छोटा सा 10 मिनट का एक नाटक है, ड्रामा है, जिसका नाम है हैरान मरीज परेशान डॉक्टर। तो बहुत ही सुंदर खेल खेल में हंसते हंसाते गीता, भगवत गीता की महिमा ड्रामा के माध्यम से हम दिखाएंगे। सभी लोग बैठ जाइए। आरती, कैमरे को हाथ मत लगाइए, कोई कैमरा मत गिराइए, वो दूर से ही ले लीजिए। आरती ले लेके पीछे अपने स्थान पे बैठ जाइए। और अभी ड्रामा होगा, उसके बाद सब लोग को प्रसाद वितरण किया जाएगा। सुबह भी यहाँ बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, सुबह आज 6 बजे मंगला आरती, उसके बाद नरसिंह आरती, तुलसी आरती, सबको माला देकर जप कराया जाएगा, उसके बाद प्रभात फेरी। तो आप लोग सवेरे के भी कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। सभी लोग हल्ला न करें, बैठ जाइए, बैठ जाइए जल्दी। जितना जल्दी बैठेंगे ड्रामा का कार्यक्रम उतना जल्दी शुरू होगा। हरे कृष्ण। जैसा कि प्रभु जी कथा में बताया, कल बहुत पवित्र दिन है। कल के दिन भगवान जगन्नाथ जी रथ पर बैठकर पूरे जीवों को दर्शन देते हैं, और कल हम लोग के गुरु जी का भी जन्मदिन है। साउंड वाले जो भी ऑपरेटर हैं, कृपया चलिए। मैं एक डॉक्टर, और आप सभी तो जानते हैं एक डॉक्टर के विषय में। एक डॉक्टर अपने लिए नहीं जीता है, एक डॉक्टर अपने मरीजों के लिए जीता है, परंतु 100% में से केवल 2% ही ऐसे डॉक्टर हैं जो अपने लिए नहीं अपने मरीजों के लिए जीते हैं। 98% डॉक्टर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। एक बात बता दूं, मैं भी एक डॉक्टर हूं, इसलिए डॉक्टर के विषय में जानता हूं। जितने भी डॉक्टर हैं ना आजकल के, मरीज जब जाते हैं तो कहते हैं आप मांस खाओ, मछली खाओ, अंडा खाओ, क्यों? शरीर रिष्ट पुष्ट होगा, बलवान होंगे, ताकतवर होंगे, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा, न जाने क्या क्या। लेकिन सत्य सत्य कह रहा हूं, डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा, कौन सा 98% डॉक्टर, कि मरीज हमेशा के लिए ठीक हो जाए। एक चोर जब भगवान को अगरबत्ती दिखाता है तो क्या कहता है, चोरी करने जाऊं पकड़ा न जाऊं। तो डॉक्टर भी जब भगवान को अगरबत्ती दिखाता होगा तो क्या कहता होगा, कि हे प्रभु ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार पड़े, कालरा हो, हैजा हो, डायरिया हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, ज्यादा लोग बीमार पड़े। क्यों? लोग बीमार पड़ेंगे तभी तो फीस मिलेगा ना, इलाज कराने आएंगे। तो सावधान हो जाइए, कभी भी किसी ऐसे नकली डॉक्टर के चक्कर में पड़कर मांस मछली मत खाइएगा, क्योंकि और बीमार पड़ेंगे आप। तो ये तो छोटी सी बात है। ये मेरा बेटा गोलू नजर नहीं आ रहा, गोलू 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 कहाँ है? हेड हेड एंड कमिंग। देखो इन बच्चों को आजकल के, अरे डैड का मतलब मालूम है? डैड का मतलब होता है मरा हुआ, डेड बॉडी। और मम्मी, आजकल लड़के मम्मी कहते हैं, मम्मी मतलब मुर्दा।
इंग्लिश में मुर्दे को मम्मी बोला जाता है और आजकल अपनी माँ को लोग मरा हुआ मम्मी मुर्दा और पिता को डेड मतलब मरे हुए। वाह अरे जमाना क्या अंग्रेजी आ गई। अरे बेटा डैड बोल नहीं बोलना है पिताजी बोल। अपन तो डैड ही बोलेगा। हाँ हे भगवान अब कौन समझाए। अच्छा गोलू बेटा तुम्हें पता है जब तुम इत्ता से थे इत्ता से बाटल का दूध पिलाकर तुम्हें बड़ा किया अब समझ में आया जो माताएं बच्चों को बॉटल का दूध पिलाती हैं, वो बड़े होकर बियर और दारू का बॉटल पकड़ लेते हैं। इसलिए सावधान हो जाओ माता बहनों बच्चों को अपना दूध पिलाओ। बॉटल पिलाओगी तो बड़ा होकर वो बड़ा वाला बॉटल ही पकड़ेगा। तुम तो नहीं पीते ना बॉटल का कुछ नहीं। हाँ ठीक है तो पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है। फीस भरना था कितना फीस भरना है बेटा। 10,000। 10,000 ठीक है पर्स एलो सीधा कॉलेज जाना पढ़ाई पर ध्यान देना और वो जो तुम्हारे आवारा दोस्त लोग हैं ना उनसे थोड़ा बचकर रहना ठीक है। जाओ पढ़ाई पर ध्यान देना। बताइए आजकल के बच्चों को कौन समझाए हैं डैड मम्मी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देते। चलो शायद मेरा बेटा सुधर जाए कभी ना कभी। है डीजे वाला डीजे बजा डीजे बंद करो डीजे। ये अस्पताल में क्या लगा लिया है सब इतने बड़े बड़े साउंड मशीन ये रंगीन लाइट ये अस्पताल है कि क्या है। ये क्या किया तूने 10,000 का सब डीजे वीजे लगा लिए। 10,000 रुपया फीस दिया था उसका डीजे लगवा दिया। हे भगवान भला बताइए नालायक तू निकल जा मेरे घर से। अपना मुंह मत दिखाना चले जा यहां से जल्दी। जा रहा हूँ कभी मत आना लौट कर। नहीं आऊंगा रोज रोज चिक चिक का करते हैं। हाँ हाँ चलो निकल जाओ जल्दी। जा रहे हैं जाओ जल्दी बदतमीज। भला बताइए ये लड़के बताइए इतना अच्छा भला अस्पताल था कोई डिस्को बार लगने लगा। बताइए चला तो नहीं गया सच में। गोलू चला गया क्या गोलू। अरे अरे इतना सा इसकी माँ चली गई बॉटल का दूध पिला कर पाल पोस कर बड़ा किया। गोलू गोलू गोलुआ कहा गई रे गोलुआ गोलू 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 कहा है गोलू बेटा सच में चला गया। अपने बोल अपने गोलू कहा है चांद बोले 10,000 बोले 10,000 मांगे बोले 10,000 1,00,000 हाँ 1,00,000। डॉक्टर साहब आपके बेटे ने बैंक SBI बैंक से 1,00,000 लोन लिया है वो अभी के अभी चाहिए नहीं तो आपका अस्पताल बुलडोजर से तोड़वा देंगे। हाँ मेरे बेटे ने 1,00,000 रुपए लोन लिया मेरे नाम से। हे भगवान सर सुनिए मेरा ही बेटा लिया गोलू नाम था। हाँ गोलू था। बताइए गया तो गया सर पर 1,00,000 रुपए का बोझ देकर चला गया। सर थोड़ा कुछ समय नहीं है थोड़ा नहीं नहीं अभी दीजिए अभी देख लीजिए अस्पताल पूरा खाली पड़ा है और अस्पताल जैसा लग भी नहीं रहा पूरा पता नहीं क्या क्या लगवा दिया है देख रहा है सब ऊपर। सर 2 महीने का समय दे दीजिए सर। नहीं नहीं हमारे पुलिस और बुलडोजर को लेकर। अरे सर रुक जाइए मत जाइए सर। हे भगवान पुलिस लेकर आएंगे बुलडोजर लेकर आएंगे अस्पताल तोड़वाएंगे। हाँ हाँ जाइए नहीं डरता किसी पुलिस प्रशासन से। बुलडोजर चलाएंगे तोड़वा दीजिए जाइए।
कहीं सच में तो नहीं बुलडोजर लेकर आ जाएगा, अब क्या करें, बड़ा समस्या है। एक तो एक भी मरीज नहीं है, हे भगवान मरीज तो भेजिए, एक तो मरीज आए, मरीज कहाँ है भाई, मरीज आएंगे तभी तो कुछ पैसे आमदनी होगी और चलेगा। हे भगवान कहाँ है मरीज, हे भगवान कहाँ है, इतना बड़ा अस्पताल खोला हूँ एक भी मरीज नहीं नजर आ रहे, अरे मरीज आएंगे तभी तो चलेगा खर्चा। कहाँ है मरीज, क्या करूँ अब मैं, कहाँ से कर्जा चुका हूँ 1,00,000 रुपया, अरे अरे मरीज आ गया, हाँ आइए, अरे बड़ा बड़ा परिवार आ गया मरीज का, हाँ भाई क्या क्या समस्या है, बड़ा गंभीर है समस्या। क्या समस्या है भाई, कमर में बहुत दर्द है। अच्छा कमर में दर्द है, इलाज हो जाएगा, अच्छे डॉक्टर के पास आए हो, और ये कान में कौन डॉक्टर महाराज पानी चढ़ाया है, जमुई का डॉक्टर लगवा दिया, जमुई का डॉक्टर, हे भगवान कैसे डॉक्टर है जमुई में, निकालो इसको, कान में पानी चढ़ाया जाता है महाराज, भला बताओ, हाँ ठीक है, तो कमर में दर्द है आपके, कमर में बहुत जोर, हाँ ठीक हो जाए, डॉक्टर साहब मेरे पति को बचा ले, हाँ हाँ बचा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, हाँ बचा लेंगे, डॉक्टर साहब मेरे भतीजे को बचा लीजिए, हाँ 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 बचा लेंगे बचा लेंगे। आप कौन है मरीज, आप मरीज के कौन है, नाना जी, नाना जी बड़े फैशन वाले नाना जी हैं, हाँ नाना जी क्या बताए, मेरे नाती को ठीक कर दीजिए, हाँ हाँ ठीक कर देंगे, आप कौन है महाराज, दादाजी, दादाजी है मरीज के, दादाजी भी बड़ा पहले जमाने के लग रहे सतयुग के, ठीक है क्या समस्या है आपके नाती को, रात भर चिल्लाते रहते हैं, बचा लीजिए, हाँ हाँ बचा लेंगे बचा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए आपका कमर ठीक कर देंगे ना, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या, और क्या समस्या है, कमर का दर्द बहुत तेज से दर्द करता है, कमर का दर्द धीरे धीरे घुटने में चल जाता है, ऐसे ऐसे दर्द करता है, कमर बहुत धीरे धीरे दर्द करता है, धीरे धीरे घुटने में आ जाता है, हे भगवान एक कैसा बीमारी है, कमर का दर्द धीरे धीरे घुटने में, अच्छा अच्छा हम घुटना ठीक कर देंगे, अभी और समस्या है, इस घुटने का दर्द इस घुटने में आ जाता है, कैसे आ जाता है, धीरे 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 घूम घूम कर, बड़ा विचित्र बीमारी है, ठीक है आप चिंता मत कीजिए हम इलाज कर देंगे, हाँ दादाजी थोड़ा नाना जी कुर्सी ले आइए बिठाएं, हाँ चलिए अच्छे से रुक जाइए, हटिए थोड़ा अच्छा, पकड़िए पकड़िए, ओ चाचा जी मरीज को पकड़िए इधर, हाँ ठीक से एक मिनट, हाँ बढ़िया से बैठाइए बैठाई बैठाई बैठे बढ़िया से, हाँ चलिए, हे भगवान, हे भगवान ये लोग क्या कर दिए, हमारा एक कुर्सी था वो भी तोड़ दिए, अरे नाना जी दादाजी को उठाओ, ये लोग भी गिर गए महाराज, क्या कर रहे हैं आप लोग, हमारा एक कुर्सी था वो भी तोड़ दिए, हे भगवान चलो अब खड़े खड़े तुम्हारा जांच करना होगा, हाँ ठीक से बताइए, एक लौती कुर्सी थी गरीब आदमी का वो भी तोड़ दिए, हाँ थोड़ा सांस लीजिएगा लंबा लंबा, अरे महाराज सांस लेना है सांस, खराटा नहीं लेना है, सांस लीजिए, हे भगवान कैसे मरीज आ गया आज, थोड़ा प्रयास कीजिए, हाँ थोड़ा बोलिए,
नाक में लो सांस। हाँ सांस लीजिए पत्नी। हे भगवान, पत्नी की भी बात नहीं मान रहे, कहाँ से मेरी बात मानी। चलिए अब समझ में आ गया, बीमारी पकड़ में आ गई है। आइए कहाँ है चाचा जी, एक दवाई दे रहा हूँ सोने के बाद, सोने के बाद और उठने से पहले एक एक खुराक। कैसे देंगे? सोने के बाद और उठने के पहले एक एक खुराक। हाँ ठीक है, ₹200 फीस दे दीजिए, ₹200 फीस दे दीजिए। अभी नहीं देंगे, ठीक हो जाएगा तब देंगे। अच्छा, अरे जाइए जाइए भैया जाइए, कुर्सी तो तोड़ दिए पूरा ले बीते हमारे, जाइए हम लोग संभालिए, नहीं तो आगे किसी का घर और गाड़ी में सब तोड़ तार देगा मरीज। अजीब मरीज आ गए हैं, अब क्या करूं बताइए। एक ही कुर्सी थी उसका भी एक पैर तोड़ दिए, बताइए अब मैं क्या करूं। अब दूसरे मरीज को कहां बिठाऊंगा मैं, अब क्या करूं। एक तो बेटा था वो भी चला गया, ऊपर से बैंक वाला धमकी देकर गया है, मरीज भी उठपटांग आ रहे हैं, क्या होगा अब। अब जीना नहीं है, अब जीऊंगा नहीं। अब जीऊंगा नहीं, इसी से इलाज करता था, अब इसी से फांसी लगाऊंगा। अरे ये क्या कर रहे हो आप? कौन आ गए? अरे आप भी पैसा लेने वाले आ गए क्या? मेरा बेटा आपसे भी उधारी लिया है। नहीं नहीं नहीं, मैं पैसा लेने वाला नहीं। हाँ कौन है आप? आप क्या कर रहे हो? आप कौन हैं? हम इस्कॉन के हैं, इस्कॉन से आए हैं। अच्छा प्रभु जी हैं आप जी? मैं फांसी लगा रहा था, मरना चाहता हूँ, मुझे मरने दीजिए, मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। अरे क्या बोल रहे हैं आप? आपको पता है फांसी लगाने से क्या होता है? क्या होता है प्रभु जी? आप भूत बन सकते हैं। हाँ फांसी लगाने के बाद भूत प्रेत बन जाएंगे जी? तो कोई और उपाय बताइए जो फांसी न लगाना पड़े और समस्या से छुटकारा मिल जाए। एक समाधान है। समस्या जानते हैं, बच्चा मेरा इतना सा दूध पिलाकर बॉटल का बड़ा किया चला गया, वो लोन वाला धमकी देकर गया। देखिए कुर्सी उर्सी सब अस्पताल तहस नहस, पागल मरीज कर दिए। अब मैं मरू नहीं तो क्या करूं, कोई उपाय है तो बताइए। अरे उससे भी बड़ा उपाय है। क्या? ये भगवत गीता लीजिए और पढ़िए, सारा समस्या का हल हो जाएगा। क्या भगवत गीता पढ़ने से सारी समस्या समाप्त हो जाएगी? सच में? सच में, आप तो पढ़िए तो सही। अच्छा अच्छा अच्छा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायु सभा मम का पांडवस्य किम कुरुवत संजय। कौन आ गया? पिताजी मैं आ गया। अरे ये डैड डैड बोलने वाला पिताजी बोलने लगा है, तू मेरा गोलू बेटा है? हाँ। अरे बेटा तुम पिताजी कब से बोलने लगे, सुधर गए? हाँ। अच्छा ये बताओ अब डीजे पे डांस नहीं करोगे? नहीं। पढ़ाई करोगे? अब मुझसे भी बड़े डॉक्टर बनोगे? ओहो ठीक है ठीक है, जाओ पढ़ाई करो। अरे प्रभु जी ये तो चमत्कार हो गया। अरे आगे तो पढ़िए सही। अरे मेरा बेटा बताइए चला गया था, आगे पढ़ने से और भी चमत्कार होंगे। जी 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 पढ़िए तो सही। ये तो हमने सुना था अपने दादा परदादाओं से कि गीता पढ़ने से सभी समस्याएं दूर हो जाती है, लेकिन पहली बार देख रहे हैं ऐसा चमत्कार। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। अरे अरे लोन वाला आ गया, भागिए बुलडोजर लेके आ गया प्रभु जी। नहीं नहीं आपका लोन माफ हो चुका है। क्या प्रभु जी? तो लोन माफ हो गया, 1,00,000 रुपया माफ हो गया? हाँ माफ हो गया, SBI वालों ने माफ कर दिया। हाँ माफ हो गया। और ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सर धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी तो चमत्कार पे चमत्कार हो रहा है। अरे आगे तो पढ़िए, चमत्कार होगा। क्या बात कर रहे हैं, सच में? सच में। ओह उठना सब। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अरे ये तो वही पागल मरीज लोग आ गए, थोड़ा हट जाइए नहीं तो गिरा देंगे आपको। मेरा पत्नी ठीक हो गया। आपका पति ठीक हो गया? ठीक हो गया। अरे अरे देखिए देखिए जरा, अरे सच में ठीक हो गए? आपका नाती ठीक हो गया? अरे आपका पोता ठीक हो गया? मेरा भतीजा ठीक हो गया। अच्छा दवाई देते थे, कैसे देते थे दवाई?
सोने के बाद उठने के पहले। प्रभु जी यहाँ आइए। कोई सोने के बाद और उठने से पहले दवाई कैसे खा सकता है? ये तो मैं लोग को पागलों को भगाने के लिए, ये दवाई से नहीं ठीक हुआ है, ये भगवत गीता के चमत्कार से। बताइए मरीज भी ठीक होने लगे। बड़ा बढ़िया, ये तो दिव्य ग्रंथ दे दिया आपने। वाह वाह जी जी। अच्छा ठीक है, लीजिए 2000। 2000 रुपया हरी, तो 200 रुपया फीस था, 2000 दे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जाइए, आप लोग संभालिएगा इनको, फिर बीमार न पड़े। देखिए भक्तों, छोटी सी लघु नाटिका थी परंतु शिक्षा बहुत बड़ा। भगवत गीता 100 हिंदू, 100 मुसलमान और 100 क्रिश्चियन को अलग अलग हॉल में रखा जाए, 100 मुसलमान भाइयों से पूछा जाए कितने लोगों के पास कुरान है, 90% लोग हाथ उठाएंगे। 100 क्रिश्चियन भाइयों से पूछा जाए कितने लोगों के पास बाइबल है, 90% लोग हाथ उठाएंगे। लेकिन 100 हिंदुओं से पूछा जाए कितने लोगों के पास गीता है, आप ही लोग बताइए, क्या 90% लोग हाथ उठाएंगे? नहीं, केवल 10% लोग हाथ उठाएंगे। क्योंकि आज हम हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि भारत जैसे पवित्र देश में कृष्ण और राम की इस भारत भूमि में हमारे घर में न गीता है, न रामायण है, न भागवत है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, हिंदू भाई बंधुओं जागरूक होइए, आप भी अपने घर पर भगवत गीता रखिए। भगवत गीता पढ़ने से ही आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा। ये ड्रामा नहीं है, सत्य घटना पर आधारित हमने आपको बताया। ये सत्य घटना हुई थी एक डॉक्टर के साथ। भगवत गीता पढ़ते उसकी सारी समस्या दूर हो गई। आप भी अपनी समस्याओं को भगाना चाहते हो तो बाबा बापू स्वामी फक्कड़ और तांत्रिक ओझा के चक्कर में मत पड़ो, गीता पढ़ो और अपना कल्याण करो। हरे कृष्ण। सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। आइए इन बच्चों का परिचय, आ जाइए सब लोग, 2 मिनट और रुक जाइए। और कल बहुत सुंदर रसखान, कल भक्त रसखान का ड्रामा है, तो कल भी आप लोग कथा में आइए। सवेरे भी कार्यक्रम है, शाम को भी कार्यक्रम है और रात में ड्रामा है। एक मुसलमान, डरिए नहीं, पेड़ की डहनी सूखी डहनी गिरी है। एक मुसलमान व्यक्ति कैसे कृष्ण का भक्त हो गया, कल हम आपको बहुत सुंदर, कल आप सब लोग रो देंगे। आज हमने हंसाया है, कल सबको रुलाएंगे। हरे कृष्ण। आइए सबका परिचय, पहले प्रभु जी का। हरे कृष्णा, हमारा नाम अभिषेक कुमार है, हमारे पिताजी का नाम पप्पू कुमार चावल। तालियों के साथ हरि बोल। मरीज, मरीज क्या, आ जाइए मरीज, मरीज आइए आगे। मेरा नाम सूरज कुमार, पिताजी का नाम अजय राम। मरीज की पत्नी,